نوب ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له وان يريدك يريدك بخير فلا رعد وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد تمام قسم بتعريفه अल्लाह रब्लत के लिए है और द्लाम हो आफरी नबी मोहम्मद महमदरसोल्लाम पर इाल आज के इस हफ्तेवारी दर्स में हम इस्तारा के ताल्लुक से उसके आदाब उसके अहकाम उसके मसाइल और उसका तरीक़ा ये सीखने की कोशिश करेंगे इसखारा इसखारा का माना होता है खैर की खैर व भलाई तलब करना खैर हासिल करने के लिए जो है कोई कदम उठाना इसे इस्तारा कहते हैं लेकिन इसको अगर दीनी अह में लिया जाए तो इस्तारा का मतलब होता है कि दो रकात नमाज अदा करके रब्ल अल्लाह अल्ला के हुजूर में अपनी दुआ को रखा जाए अपनी हाजत को रखा जाए और इसके लिए एक मखसूस दुआ जो है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने हमें सिखाई है तो दो रकात नमाज़ अदा करके एक मखसूस दुआ को पढ़कर अल्लाह सुबहान तै के सामने अपनी हाजत को रखा जाए इसे इसखारा कहते हैं और इसके ज़रिए से खैर और भलाई को तलब किया जाए और अल्लाह सुबात इसमें जो है इस अमल के ज़रिए हमारी रहनुमाई करता है इसे इस्तारा कहा जाता है ये दीनी है मतलब शरीय के अंदर इसका माना इस तरह से बयान किया गया है इसतारा ये एक बहुत ही अहम अमल है जिसके ताल्लुक़ से हम इफरात और तफरीक के शिकार सिर्फ इस्तेखारा में ही नहीं बल्कि इस्लामी हर उमूर हर अम्र में हर काम में हर अमल में मुसलमानों ने हमेशा दो राय इख्तियार की सिर्फ मुसलमानों ही नहीं नहीं, बल्कि इससे पहले की जो उम्मतें थी वो भी हमेशा इफरात और का शिकार रही मतलब शैतान ने किसी को किसी अमल में ऐसा मुलविस किया कि उसकी हकीक़त को भूलकर वो गलत तरीक़ों को अपनाने लगे और कुछ ग्रहों को शैतान ने ऐसा बहकाया कि उन्होंने उस अमल को ही भुला दिया जैसे यहूद इन्होंने जो है अम्बियाओं की तकजीब की उनका इनकार किया यहाँ तक कि उनको कत्ल शहीद भी किया वही नसारा इन्होंने अम्बियाओं को माना नबी को माना लेकिन इत, इतने हद दर्जे तक माने कि उनका जो मुकाम और मरतबा था उसको बुला दिया और उनको अल्लाह से ले जाकर मिला दिया मतलब शर्क किया तो शैतान ने हमेशा जो है ऐसी चालबाजी चली है हर उम्मत हर कौम के साथ वही मामला जो है उम्मत मोहम्मदिया में भी बहुत सारे अमर को लेकर है वैसे ही इस्तेखारा का भी मामला हुआ कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्तेखारा को बिल्कुल सिरे से ही मानते नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ है उनके नजदीक उनकी नजर में उसकी कोई अहमियत और जो है वक्त नहीं है और एक ग्रोह ऐसा है कि वो इस्तिखारा को तो मानता है लेकिन वो इस कदर उसमें जो है गलत फहमियों के शिकार है कि उन्होंने जो है अपने खुद साफ्ता मतलब अपने ही उस तरीके उन्होंने जो है इस्तिखारा के लिए बना रखे चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा लेकिन फितरी तौर पर अगर देखा जाए तो इंसान के अंदर इस बात की तजस्स होती है कि जो काम वो करने जा रहा है जो अमल वो करने जा रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा उसका अंजाम क्या होगा मतलब उसका आखिर क्या होगा और वो उसी अंजाम को लेकर जो है मतजफब रहता है परेशान रहता है लेकिन कोई अगर किसी अमल या किसी अमर के बारे में उसे कह दे कि फला काम तुम करने जा रहे हो उसमें ऐसा होने का अंदेशा है तो फिर उसके दिल को जो है इतमान होता है कि वो होने वाली चीज फायदेमंद है या नुकसान दे तो इंसान कोई भी काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचता है और ये इंसानी फितरत है और होना भी चाहिए तो अल्लाह सुबहान इंसान की इस फितरत को जानता था इसलिए अल्लाह सुबाना तौला ने एक ऐसा अमल जो है उम्मत मोहम्मदिया को बताया अल्लाह के रसूल सल्लाम की उम्मत को यह बताया कि जिसके जरिए से इंसान इत्मीनान और सुकून हासिल करे और हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जमाने जाहिलियत में लोग जो है गलत तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे जैसे वो किसी सफर पे निकलते और ऐसी जगह पहुंच जाते जहाँ पर दो राहें होती एक जो है रास्ता सीधे जो ये दाएं तरफ जा रहा है दूसरा बाई तरफ जा रहा है लेकिन उनको रास्ते का इल्म ना होने की बुनियाद पर वो क्या करते फालगिरी करते फाल निकालते मतलब उनके पास जो जो है दो कस्म के तीर होते तीर जो चलाते हैं एक कहते थे कि वो अल्लाह के नाम से है और दूसरा जो है अल्लाह के नाम से नहीं और आग बंद करके वो एक तीर को पकड़ते और अगर तीर हाथ में ऐसा आता जिसको वो अल्लाह के नाम से कहते थे और जिस तरफ उन्होंने जो है नीयत की इरादा किया जाने का तो वो अपनी नीयत को जो है पूरा करते और उस तरफ निकल जाते अगर ऐसा तीर उनके हाथ में लगता जिसको वो कहते थे कि ये अल्लाह के नाम से नहीं है तो फिर वो अपने इरादे को बदल देते यानी उल्टा अमल करते यानी दाएं का इरादा किया था अब वो बाएं को जाएंगे इसी तरीके से वो कुछ तीर ऐसे भी रखते थे जिसको वो खुशकिस्मती और बदकिस्मती की कीमत कहते थे यानी गुड लक और बैड लक मतलब दो तीर अपने साथ रखते एक तीर जो उनका हमेशा इस्तेमाल में बहुत अच्छा होता उसको वो गुड लक कहते और जो दुरुस्त ना होता जिससे निशाना ना लगता उसको वो बैड लक कहते आग बन करके दोनों में से कोई एक तीर को पकड़ते जिस तरफ रुख किया उन्होंने इरादा किया कि दाएं जाना है लेकिन हाथ में जो तीर आया वो बैड लक का है तो वो क्या करते फिर इरादा चेंज कर देते और वो बाएं की तरफ निकल जाते तो इस तरह जो है फाल निकाला करते थे मशरक़ी ने मक्का और भी इसके अलावा भी दीगर जो है आमाल थे तो शरीयत ने इन चीज़ों को जो है रद्द किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को नाजायज़ करार दिया हराम करार दिया ये सब शिक्क में शामिल होते हैं तो लेकिन अब इंसान की तो फितरत है कि वो मुतजबजब रहता है कोई भी काम करने के लिए इसलिए अल्लाह ने उसका बदल दिया वह है इस्तारा कि इंसान इसके ज़रिए से इतमीनान हासिल करे कि दो काम हैं दोनों बेहतर है अब दोनों में से किसको किया जाए तो उसके लिए वो दो रक़त नमाज पढ़ेगा दुआ करेगा और अल्लाह सुबाना वाली उसका दिल एक तरफ जो है मुतवजा कर देगा उस तरफ अल्लाह सुबाना वाली जो है उसका मैलान जो है उस तरफ कर देगा तो इन शह तक जब मजबूती के साथ वमल को करेगा इन उसमें कामयाबी ही कामयाबी होगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने एक के बाद एक जो है नुकात रखने की कोशिश करूंगा सबसे पहले इस्तारा की फजील ये बहुत बड़ा अमल है बहुत फजीलत वाला अमल है जैसे मैंने बताया हमारे जो है भाइयों में एक ग्रोह ऐसा है कि जो इसखारा की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है अब देखिए हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी खास अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स इस्तारा करता है अल्लाह से जो है दुआ करता है और इसके जरिए से वो अपने काम को अंजाम देता है तो ये खुश बख्ती की अलामत है दूसरा एक शख्स है जो इस्तेखारा नहीं करता इस्तेखारा नहीं करता अल्लाह से दुआ नहीं करता और वैसे ही वो अमल को कर गुजरता है तो ये बदबख्ती की अलामत है आगे हम देखेंगे इस्तेखारा करना वाजिब है मुस्तहब है क्या है आगे इनशा तला बात आएगी लेकिन यहां पर जो इशारा दिया जा रहा है वो इशारा ये है कि जो आदमी इसतारे को मानता है उसकी हकीकत को कबूल करता है उस पर अमल करता है तो उसमें उसकी खुश बख्ती है यानी उसकी उसमें सौ तो फीसद कामयाबी है नुकसान उसको नहीं पहुंचेगा बज़ाह उसको समझ में ना आए लेकिन ये जो है हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि उसको नुकसान नहीं देगा अल्ला दूसरा वो शख्स है तो इस बात पर ईमान नहीं रखता इस्तारा को नहीं मानता अपने अमल को इसके जरिए वो पूरा नहीं करता तो ये बदबखती की अलामत है मतलब अब वो इस्तारा को छोड़कर कोई और तरीका इख्तियार करेगा किसी फैसले करने के लिए तो वो उसमें उसको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी हो सकता है जाहिर उसको थोड़ी कामयाबी नजर आए लेकिन उसका उसमें नुकसान रहेगा ये मस्तद अहमद की जो है रिवायत है इसी तरह इसतारा की अहमियत कितनी ज़्यादा है इसतारा की अहमियत हम इस हदीस से समझ सकते हैं हज़रत जावेद रजी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इसतखारा ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान मजीद सिखाया करते थे मतलब जिस एहतमाम से अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम हमको बिठाकर कुरान समझाते उसकी तशरी बयान करते जिस अहमियत से उसको हमारे सामने रखते उसी तरीके से आप जो है इस्तेखारा को भी समझाते इसके ताल्लुक से जो है मुबारकपुरी रमत लिखते हैं कि इस हदीस से हमें पता चलता है कि इस्तेखारा को जो है कुरान से तशबी दी गई है मतलब ये बहुत ही अहम अमल है और तमाम सहाबा जब भी कोई दो काम ऐसे देखते जो दोनों दुरुस्त होते अब दोनों में से कौन सा करना चाहिए तो वो दो रकात नमाज पढ़ते और इस्तेखारा की दुआ कर दे और अल्लाह से बना से मदद तलब कर दे ये हर सहाबी का अमल था चलिए इमाम इबन तेमिया रमत इसके ताल्लुक से फरमाते हैं जो आदमी अल्लाह से खैर तलब करे मखलूक से मशवरा करे और अपने काम में साबित कदम रहे इसे कभी भी शर्मंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा इमाम इब्न रहमतुल्लाह इनको शेखुल हदीस कहा जाता है हदीस के जानने वाले बहुत अल्लाह व तआला ने इनसे बड़ा काम लिया बहुत दीन की इशात के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी वफ कर दी वो फरमाते हैं कि जो आदमी इसतारा के जरिए खैर तलब करे और मखलूक से मशवरा भी ले मतलब जो काम वो करने जा रहा है उस फील्ड के जानने वालों से वो मशवरा ले जो उसका इल्म रखते हैं जो अहल इल्म है ये भी चीज इसमें जो है यानी तदबीर हम जिसे कहते हैं तकदीर के साथ साथ तदबीर भी अहम है तो जो इस्ते भी करता है और मखलूक से मशवरा भी लेता है जो खैरफ्वा है जो उसका भलाई के बारे में सोचते है ऐसे लोगों से वो मशवरा करता है तीसरा जब वो तय कर लेता है तो अब उसमें वो डट जाता है साबितदम रहता है तो वो फरमाते हैं कि ऐसा आदमी कभी शर्मिंदा नहीं होगा मतलब कभी भी उसको उस अमल में नुकसान नहीं होगा उसने जो फैसला किया उसमें कभी उसको लॉस नहीं होगा ये इमाम किबन तैनिया रमोतल फरमाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं इस्तारा की अहमियत हमने अभी देखी अब इस्तारा की हमत कि अल्लाह ने ये ऐसा जो अमल है उम्मत मोहम्मदिया को क्यों बताया इसके पीछे लिखते हैं कि बहुत सारी हिकमतें हैं इनशा तला तो मैं उनमें से आपके सामने जो है पांच हिकमतें रखने की कोशिश करूंगा कि ऐसा अमल अल्लाह सुबहान तला ने हमें क्यों दिया है इसके अलावा अल्लाह सुबहान तीगर और भी जो है जरिए से हमें जो है राह दिखा सकता था गाइड कर सकता था अल्लाह सुबहान तकिन ये इस तरह का तरीक़ा ही अल्लाह सुबहान तौ बताया है और अल्लाह से बना जो भी करता है उसमें बहुत सारी हमतें होती हैं चलिए हम आगे देखते हैं पहली हमत इस्तारा करने से इंसान का ताल्लुक अपने रब से जुड़ता है जैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे दुनिया के अंदर क्या होता है आप चाहते हैं कि आपका कांटेक्ट किसी से जुड़ा रहे तो आप क्या करते हैं उसकी ज़रूरत बन जाते हैं कि उसको जब भी पला काम की जरूरत होगी तो वो आपके पास आएगा बहुत सारे जो है मामला में बहुत सारे जो है शोबों में इस तरह का जो है इस तरह से जो है आ, अमल किया जाता है कि होता ऐसा है कि इंसान कोई प्रोडक्ट तैयार करता है अब वो चाहता है कि वो प्रोडक्ट जो लॉन्च उसने किया है अब उससे मुतालिक जो उसके कस्टमर्स है वो उससे जुड़े रहे तो वो उनको ऑफर देता है कि इसमें अगर कोई ख़राबी होती है एक साल तक दो साल तक हम आपको फ्री में करके देंगे हमको लगता है ये आदमी फ्री में क्यों करके दे रहा है ताकि आप उससे कांटेक्ट में रहें जाहिर सी बात है जब एक बार आपने उससे कोई चीज़ ली है तो दिन दुनिया के अंदर आपको जिंदगी गुजारना है तो बार बार आपको ऐसी और चीज़ों की जरूरत पेश आएंगी तो जाहिर सी बात है आप जब मुसलसिल उससे जुड़े रहेंगे तो वो आपके जो है काम भी करेगा और आप उसके काम भी उससे उसके उससे हो रहे हैं उसका आपसे ताल्लुक जुड़ा हुआ है ये दुनिया भी नुक़ नजर से हम देखें लेकिन हम जानते हैं अल्लाह सुबहाना तला को हमसे कोई गर्ज नहीं है अल्लाह सुबहाना तला को हमसे कोई ज़रूरत नहीं है दुनियावी भी मामला के अंदर ऐसा होता है कि लोगों को आपसे कुछ गर्ज होती है इसलिए वो आपको जोड़ कर रखते हैं लेकिन अल्लाह सुबाना तला इतना गनी है वो सारे के सारे लोगों की जरूरियात को पूरा कर दे तो भी उसकी जो है सल्तनत में कोई कमी नहीं होगी फिर भी ये अल्लाह सुबहाना फजल है कि वो चाहता है कि बंदे उससे जुड़े रहे ताकि बंदे जब परेशान हो जब वो मुश्किल में हो तो वो उसी के सामने जो है अपना जो है सर टेके और जब बंदा अल्लाह सुबहान तला से ताल्लुक जोड़ के रखता है अल्लाह सुबहान तला के पास आता है तो अल्लाह सुबहान तला इतना खुश होता है इसको एक हदीस में जो है इमाम नवी रि ने रिया सालेहीन में उसको नकल किया है अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है गुनाह करने के बाद वो तौबा करता है तो उसका रब उससे इतना ज्यादा खुश होता है जैसे तुम में से किसी का सफर एक रेगिस्तान में हो यानी कोई शख्स है अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी एक शख्स है उसका गुजर किसी रेगिस्तान में से हो सहरा में से हो और उसका माल और सामान सब खाने पीने का उस ऊंट पर लदा हो जो उसके साथ हो और वो आराम करने के लिए एक दरख के नीचे जो है लेटता है आराम करता है लेकिन जब आंख खोलता है तो वो अपने ऊंट को गुम पाता है बस अब वो ये सोचता है कि अब तो मेरी मौत आने वाली है वो नाउम्मीद हो जाता है क्योंकि सहरा में रेगिस्तान में सवारी का खो जाना मतलब मौत आ जाना क्योंकि किसी किस्म की मदद वहां पर नहीं होती है कई किलोमीटर तक कोई मदद नहीं होती है ना कोई पानी का निशान होता है तो ये बहुत मुश्किल वो इंसान अपने आप को जो है महसूस करता है और वो क्या करता है फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अब नाउमीद होकर अपनी आंखें बंद करके जो है लेट जाता है मतलब ये सोचता है अब तो मौत है लेकिन फिर आंखें खोलता है तो अपने ओट को अपने सामने पाता है तो बस उस वक्त उस आदमी को जो खुशी महसूस होती है तुम्हारे रब को इससे ज्यादा जो है खुशी महसूस होती है तुम्हारा रब इससे ज्यादा खुश होता है जब बंदा गुनाह करने के बाद लौट कर आता है और जब उसके हजूर जो है तोबा पेश करता है मतलब माफी मांगता है अल्लाह सुबहाना तौ इतना खुश होता है अब इस हदीस से आप अल्लाह सुबाना तला के रहम का अंदाजा लगाइए गुनाह हम करते हैं नाफरमानी हम कर रहे हैं मज़े हम लूट रहे हैं लेकिन हम अल्लाह से माफी मांग रहे हैं तो अल्लाह से बना खुश हो रहा है और कैसी अजीब बात है हम तोबा करने के बाद माफी मांगने के बाद हमें सब पता है कि हमारा रब खुश होता है तोबा से लेकिन फिर हम इतने नाफरमाने के दोबारा फिर उस गुनाह करने में हम जो है कोई आर महसूस नहीं करते कैसे हम नाशुक ये हम अपनी जिंदगी का जायजा लेकर हम समझ सकते इस बात को कि हम कितने नाफरमाने और हमारा रब कितना रहन दिल है तो रब खुश होता है जब बंदा उससे ताल्लुक जोड़ता है उसके पास आता है उससे मदद मांगता है उसके सामने सर झुका देता है इसलिए तो यहाँ दो रख नवाज का जिक्र किया गया है क्योंकि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब तजदे की हालत में होता है तो इस्ते की पहली हमत यह है कि बंदे का ताल्लुक जो है रब से जुड़ा रहे मतलब अल्लाह सुबाना तला ये चाहता है कि बंदे उससे जुड़े रहे जब भी मुश्किल पेश आए तो वो इस तरह का अमल करे और अल्लाह सुबाना तौर की जो है मुराद को पूरा करे दूसरी अल तोहेदही का ताल्लुक। मतलब अल्लाह सुबह की ज़ात पर यकीन उस पर ईमान अल्लाह के एक होने पर यकीन अच्छाई का देने वाला भी अल्लाह और बुराई का देने वाला भी अल्लाह इस बात पर इंसान का जो यकीन हो ये इसखारा से इंसान के अंदर अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक से ये ईमान पैदा होता है कि वो एक है वही है जिसने सब कुछ बनाया है और वही है जो फैसला करेंगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है तुरे आयत नंबर 107 हम पढ़ते हैं अल्लाह ने फरमाया वही कि अगर अल्लाह सुबाना त किसी के साथ खैर का करने का इरादा कर ले तो कोई उसको रोक नहीं सकता और अल्लाह सुबहाना तला अगर किसी को कोई ज़र्र कोई मुश्किल में डालना चाहे कोई परेशानी देना चाहे तो इस परेशानी को कोई नहीं रोकने वाला इंसान जब ये ईमान रखता है कि अल्लाह ताला ही एक ऐसी जात है जो उसके फायदे के और नुकसान के बारे में फैसला करने वाली है तो जाहिर सी बात है वो इंसान इस्तारा करने के बाद उसको जो है इस बात का इतमान होता है वो अल्लाह पर यकीन रखता है कि मैंने ये जो फैसला किया हूँ ये अल्लाह सुबाना ताली के मशवरे से किया हूँ अब इनशा तला मुझे कोई नुकसान नहीं होगा तो अल्लाह की ज़ात पर ईमान उसका बढ़ता है इसतखारा की तीसरी हमत जो लिखते हैं वह तवक्ल मतलब अल्लाह सुबाना तला पर भरोसा और तवक्ल भी सही माना के अंदर कैसे हमारे पास कुछ लोग हैं वो तवक्कल कैसे करते हैं कि कुछ काम नहीं करना है कुछ मेहनत मशक्कत नहीं करना है और सोचते हैं कि बस हो जाएगा कोई भी काम ये तवक्कल का माना नहीं है एक साहब थे हम उनके पास गए एक प्रोग्राम के लिए एक प्रोग्राम होने वाला था तो अब हमें लगा कि लाइट अगर चली जाए तो प्रोग्राम के लिए नुकसान हो सकता है तो हमने कहा कि आप एक जनरेटर भी हमको दे दीजिए तो वो साहब माशाल्लाह नमाज का जो है निशान बना हुआ है टोपी पहने हुए तुम्हारा बोले अल्लाह पे यकीन ही नहीं है बोले तो बोला इसमें अब यकीन की बात कहाँ से आ गई कहा कि तुम दीन का काम करने जा रहे हो तुम यकीन करो कि तुम लाइट नहीं जाएंगी बोले ये ईमान इसको बोलते बोले उन्होंने कहा कि ये ईमान नहीं है इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या मैं अपने ऊँट को छोड़ दूँ और अल्लाह पर तोल करूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु रसोल सल्ला फरमाया कि नहीं तू अपने ओट को पहले बांध दे और फिर अल्लाह ताला पर जो है तवक्ल कर मतलब दुनियावी लिहाज से तुम्हारी जो कोशिश है तुम कर गुजरो उसके बाद अल्लाह गुजरोबहना अल्ला पे भरोसा करो गाड़ी हम चलाते हैं आप हैंडल लॉक उसका करेंगे फिर अल्लाह पर तोल करके आप नमाज के लिए जाएंगे लेकिन आप वही चाबी छोड़ देंगे और कहेंगे अल्लाह पर तोल है तो ये शरीयत के नुक नज़र से गलत तवक्कल है सहावा ने ऐसा तवक्ल कभी नहीं किया वो भी अपने घर की जो कोठियाँ, जो दरवाजे वगैरह थे वो लगाकर सोते थे उसको खुला रख कर नहीं छोड़ते थे क्योंकि शरीयत ने ही ये तरीका बताया है कि आपके जितनी ताकत है आपकी जितनी इस्तात है आप दुनिया के लिहाज से कर गुजरी फिर उसको बनाओ तो अल्लाह पर छोड़ दीजिए तो ये असली है ये असल है। तो जो है तिरवीज़ी की हदीस है अपनी उमर उसके रावी है अल्लाह के रसूल सल्ला फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह सुबह अल्ला पर वैसा तवक्कल करो जैसा उसका हक है तो अल्लाह सुबहान इस पर कुदरत रखता है कि तुमको ऐसा रिस्क दे जैसे वो परिंदों को देता है तो इमाम नवी ने उसकी तशरी में लिखा कि परिंदे अपने घर से जो है खाली पेट निकलते हैं और भर पेट लौटते हैं लेकिन वो परिंदों ने कोशिश की वो अपने घर से निकले वो घर में अपने घोंसले में बैठकर वो इंतजार नहीं कर रहे कि रिस्क पहुंच जाएगा उन्होंने कोशिश की बाहर निकलते हैं चढ़ते हैं जो है दाना चूकते हैं फिर कुछ जमा करके भी लाते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए तो उन्होंने कोशिश की और अल्लाह ताला ने उनको उतनी ही ताकत दी है कि ढूंढ कर अपना रिस्क तलाश करके लेकर आए लेकिन इंसानों को जो है अल्लाह सुबाना तौला ने एक दूसरे पर जो है मुंसर किया है एक दूसरे पर डिपेंड किया है कि इंसान जाता है मेहनत मशक्कत करता है किसी के काम करता है उसके बदले उसको उसकी उजरत दी जाती है फिर उसके जरिए से वो अपना रिस्क जो है खाता है ये जानवरों में इंसानों में फर्क है तो कोशिश बहुत अहम है तो ये बात हम समझें कि तवक्कल का मतलब ये नहीं है कि बस कुछ ना करें हाथ पैर ना हिलाए तवक्कल का माना यह है कि अपनी ताकत के मुताबिक आप कर गुजरिए फिर अल्लाह सुबाना तला की जात पर भरोसा करिए कि जो भी होगा वो खैर होगा तो इस्तारा करने से इंसान के तवक्कल में भी जो है इजाफा होता है कैसे मिसाल के तौर पर आ, अगर हमारा ईमान अल्लाह सुबाना तला पर है तो इस्तारा आप में तवक्कल पैदा करेगा अगर ईमान नहीं है तो फिर इससे तो इससे जो है कोई कुछ उम्मीद आप नहीं रख सकते कैसे दुनिया के अंदर फिर मिसाल के तौर पर आप एक तजारत शुरू करना चाहते हैं आप तजारत शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है ठीक है किसी ने कहा नहीं बीस परसेंट किसी ने कहा नहीं तीस परसेंट है तो आप क्या बोलते नहीं नहीं ये सबको छोड़ो वो उसको पकड़ो ये परफेक्ट आदमी है कई सालों से इसमें लगा हुआ है मतलब जो जिस फील्ड का माहिर है आप उसके पास जाते हैं जो ज्यादा इल्म रखता है कि ये सही बताएगा हर मामले में हमारा जो यही अमल होता है कि हम ऐसे आदमी से मशवरा लेते हैं ऐसे आदमी से मशवरा तलब करते हैं जो ज़्यादा जानता है लेकिन हमारा तो ईमान है कि अल्लाह सुबाना तला ज्यादा से ज़्यादा इल्म किसी को नहीं है और अल्लाह ताला का इल्म तो ऐसा है जो पीछे का भी जानता है और आगे का भी जानता है और इंसानों के इल्म में अंदाजे होते हैं नव्वे फ़ीसद पचनवे फ़ीसद बहुत ज़्यादा भी रहा तो लेकिन अल्लाह सब्बाला तौर का अंदाज़ा कैसे होता है सौ फीसद तमाम प्रॉफिट लॉस अल्लाह सब्बाला तौ को सब पता है तो जब हम दूसरों से राय और मशवरा लेने जाते हैं और जब वो जितना अपने फील्ड का अपने शोबे का माहिर होगा और वो जब बात को बता देता है तो हम उसको पत्थर की लकीर समझते कि नहीं इसने बोला मतलब बात सही है मैं इसको जानता हूँ हमारे वाल जानते हैं सब शहर के लोग इसको जानते हैं बहुत ही माहिर शख्स और फिर आप बन करके जो है हम कूद जाते हैं उस तजारत में या उस अमर के अंदर उस अमल के अंदर लेकिन जब हम ये जानते हैं कि अल्लाह सुबाना तौ का इल्म तो सबसे ज़्यादा है लामहदूद है हंड्रेड परसेंट है नुकसान का कोई उसमें जो है शक नहीं है फिर लेकिन हम अल्लाह सुबाना वाली से जब हम मशवरा लेने जाते हैं इस्तारा जो है अल्लाह सुबाना तौ से मशवरा है तो तब हमारी दिल की कैफियत कैसी होती है तब बोल रहे कर लो इसलिए मैं इस्तारा करने रहा हूँ ये दुरुस्त नहीं है वो सोच रहा अब कर लेना सब बहुत बोल रहे प्रेशर डाल रहे इस्तेखारा करना नहीं हमको इसको ईमान का हिस्सा समझना है हमको कामिल यकीन के साथ ये तो जो इस्तेखारा करना है कि हम जो इस्तेखारा करने जा रहे हैं अल्लाह इनशाला सुबह जिस तरफ हमको मुतवजा करेगा ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा तो यहाँ पर जो है अल्लाह व तआला पर जो है ईमान के साथ जो इस्तारा को जो है किया जाए तो इंसान के फिर तवक्कल में भी इजाफा होता है आगे चलिए चौथी तमाम जाहिल जाहलाना रस्मों का खातिमा इस्तारा की एक हिकमत क्या है अल्लाह व तआला ने इस्तारा क्यों दिया है कि तमाम जाहलाना रस्मों का क्या हो जाए फातिमा हो जाए और सही इस्तारा को जब हम अपनाएंगे तो समाज में से जो बिदती इस्तेहारा लोग करते हैं वो सब खत्म हो जाएगा जैसे इंसान का दिल जो है गुनाह की तरफ मुतवजा होता है तो उस गुनाह से हटाने के लिए अल्लाह सुबाना तौ ने उसको कोई ना कोई ऑप्शन दिया है जैसे मिसाल पर, के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लाव ने फरमाया कि तुमको हर अच्छे अमल पर खैर काम पर नहीं, जो है सवाब मिलेगा यहां तक के तुम तो अपनी बीवियों के साथ जो सोहबत करते हो उसका भी अजर है कहा अल्लाह के रसुल तो ख्वाहिश है ये तो हमारी नफ्स की ख्वाहिश है हम उसको पूरा करते हैं इस पर अजर कैसे मिलेगा तो अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही अमल अगर तुम बाहर करोगे यही अमल तुम जिना की शक्ल में करोगे तो क्या होगा गुना होगा खराब होगा तो बस तुम इस अमल के जरिए से जो अपनी बीवियों के साथ तुम करते हो उस हराम काम से तुम अपने आप को बचाते हो तो इसमें भी सवाब है तो अल्लाह सब ने इंसान को जिनाकारी से महफूज रखने के लिए निकाह एक ऑप्शन दिया है या कहा जिसमें ताकत ना हो क्या करे रोजे रखे मतलब उससे बचने के लिए एक दूसरी शक्ल दी गई इसी तरह शरीयत ने इंसान की फितरत को जो है वो खत्म नहीं किया है बस उसको जो है रुख जो है उसका मोड़ दिया है गुनाह की तरफ से हटाकर नेकी की तरफ ये नहीं करना है तो ये करना है तो वैसे ही इंसान ये चाहता है कि वो जो फैसला करने जा रहा है कोई काम करने जा रहा है तो उसका दिल मुतमईन हो उसके लिए कोई ऐसा अमल हो और वही पुराने जमाने में जाहिलाने जमाने में लोग क्या किया करते थे दिल को मुतमईन करने के लिए वो तीरों का इस्तेमाल करते थे मतलब नेक बख्त और बदबख्त तीर गुड लक और बैड लक उन तीरों का इस्तेमाल करते थे मतलब वो सफर पर निकलते जब ऐसी जगह पहुंच जाते जहाँ दो रास्ते हैं अब समझ में नहीं आ रहा है कि सीधी तरफ जाए या उल्टी तरफ जाए तो वो क्या करते हैं अपने साथ हमेशा दो तीर रखते एक को कहते हैं ये रब के नाम से और दूसरे तीर को कहते हैं जो रब के नाम से नहीं है और आँख बन कर, कर एक तीर पकड़ते हैं और अगर उन्होंने तय किया कि राइट साइड जाना है और तीर हाथ में कौन सा आया जिस पर लिखा हुआ है अल्लाह के नाम से तो फिर वो उस तरफ निकल जाते लेकिन अगर वो जो है तीर दूसरा निकलता तो वो अपने फैसले को बदलते राइट वाला छोड़कर लेफ्ट की तरफ जाते हालांकि आप इसमें गौर करेंगे वो लोग तीर के ऊपर अल्लाह का ही नाम लिखते थे मतलब अल्लाह पर उनका ईमान था लेकिन अमल दुरुस्त नहीं था इसलिए कबूल नहीं मतलब अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर उस पर नहीं इसलिए वो अमल काबिल कबूल नहीं था हालांकि मक्का अल्लाह का नाम लिखते थे तीरों पर वो अल्लाह को जानते थे लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को कबूल नहीं किया कहा कि किसी को अगर फैसला करना है तो वो इसखारा करे और अल्लाह के रसूल ने जो तरीक़ा बताया उस तरीके से वो इस्तारा करे तो यहाँ पर जो है जो है जमाने जाहरीत की जो रस्में उसको ख़त्म करने के लिए इस्तारा का अमल दिया गया कहते हैं इसमें अल्लाह सुबान की ये भी एक हिमत है वैसे हमारे पास भी जो है फालगिरी की जाती है आपने देखा होगा बच्चों के नाम रखने के लिए कुरान से फाल निकालते हैं बच्चा कौन से महीने में पैदा हुआ वो महीने का नाम पहला हरूफ कौन सा है हैफ फिर उसके नाम से वह सूर्य ढूंढते हैं फिर उस सूर्य के अंदर से कोई एक लफ्ज निकालते हैं अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं ये सब जो है नाजायज है ये चीजें दुरुस्त नहीं है सिर्फ फाल का जो है हमने क्या किया है थोड़ा सा रुख बदल दिया वरना ये फाल ही तो है वो तीर निकालते थे हम लफ्जों को ढूंढ रहे हैं आंख बन करके वो किसी चीज़ पर हाथ रख देते और कहते कि फला चीज इस पर हम जो है फैसला करेंगे ये सब फाल की जो है किस्में हैं और ये कोई भी इनमें से दुरुस्त नहीं है इसके ताल्लुक से सूर्यमदा में अल्लाह तक ने आयत नंबर नौ में इसका जिक्र किया क्या योलना आमनुमर मैसरु वल अजलामु रजसमिन अमल शैतान के ऐ ईमान वालो शराब दुआ पालगिरी करना ये सब जो है रजसुमिन अमली शैतान ये शैतान के अमल है फाल निकालना तो तुम इससे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर सको मतलब फाल से बचने का हुक्म दिया है अल्लाह सब्बाना तआला ने लेकिन तो कैसी अजीब बात है कि इतनी खुली खुली आयतें हमारे पास है फिर भी लोग समझते नहीं है आज हम देखेंगे तो हमारे माहौल में सत्तर फीसद से ज्यादा लोग नाम निकालने के लिए बच्चों के नाम रखने के लिए फाल निकालते तो इसको मना किया गया ये मशरिक मक्का की रस्में थी आप कहेंगे ऐसे कैसे मशरिकी मक्का की रस्मों पर अमल अमल करेंगे आप हमारे माहौल के अंदर एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए आज भी मुसलमानों में बहुत कम हुआ है पहले के मुकाबले लेकिन आज भी ये चीज है या नहीं कि बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो हम उस तरफ नहीं जाते जबकि साढ़े चौदह सौ साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रद्द किया है आपने क्या फरमाया उल्लू का बैठना मनहूस नहीं है सफर का महीना मनहूस नहीं है बिल्ली का रास्ता काटना मनहूस नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लाम चौदह सौ साल पहले जिस चीज को खत्म कर दिए तो उन्हीं की उम्मत फिर से उस चीज को जो है रिवाज में ला रही है उस शिर को उस बिदत को अल्लाह के रसूल चौदह सौ साल पहले बोले कि बिल्ली का रास्ता काटना कोई मनहूस नहीं है लेकिन आज हम बोलते हैं कि नहीं बिल्ली रास्ता काटी तो गलत काम होगा देखिए जिसके रसूल इंसान को अंधी तख्लीक से गलत चीजों से निकालने के लिए आए थे वही उम्मत आज उन चीजों को फिर से फैला रही है कैसी अजीब बात है इल्म की कमी पढ़ते नहीं हैं हम जानते नहीं है समझते नहीं है तो वैसे कुरान को भी हम बामाना जो है तफसीर के साथ पढ़े यहाँ जो है वाजह किया सुरमायदा आयत नंबर नौ में अल्लाह अबाना तौ ने पालगिरी करना यह शैतानी अमल है तो इस्तेखारा की चौथी हमतमा बताते हैं कि ताकि जाहिल रस्मों का ख़ात्मा हो जाए और जब इंसान को एक सही तरीक़ा दिया जाएगा तो वो जो झूठ है डुप्लीकेट है उसकी तरफ क्यों जाएगा इसलिए जो है उम्मत मोहम्मदिया को एक तरीक़ा बताया गया अपने मामला में फैसला करने के लिए पांचवा यानी पांचवी हमत नफे का हसूल और खराबी को दूर करना अल्लाह सबाना तला अपने बंदों का नुकसान नहीं चाहता इंसान खुद अपना नुकसान करता है जैसे जो है हजरत लखमान ने जब नसीहत की अपने बच्चों को तो अपने बच्चों से क्या कहा था बेटा शिरक नहीं करना इन शिरका ओजीम शिरक जो है ये सबसे बड़ा ऐस की तस्वीर में अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी तफसीर में आता है कि शिरक जुल्म इस तरह से कि इंसान अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है और उसको पता है कि अल्लाह ने वादा किया है कि जो शिरक करेगा अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा मतलब इंसान ने शिरक करके अपने ऊपर खुद कर लिया है वह जहन्म का ईंधन बन गया अल्लाह ताली ने उस पर म नहीं किया अल्लाह ने उसको जहन्नम में नहीं डाला बल्कि उसकी गलती की सजा उसको दी जा रही है और इंसान जो गलती करता है कहते हैं ना अपने ही पैर पर कुराड़ी मारना मतलब इंसान खुद अपने पैर पर कुराड़ी मारे और दोष दूसरों को दे तो आप कहेंगे तो गलत बात है तो वैसे इंसान जब शिरक करता है तो वो खुद अपने आप को जहन्नम में डाल रहा है इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि चिरक जो है बड़ा भारी जुल्म है जो इंसान अपने ऊपर करता है मतलब इंसान जब जहन्नम में डाला जाएगा तो वो ये नहीं कहता क्या कह सकता कि अल्लाह ने मुझ पर जुल्म किया वो खुद जान लेगा इस बात को कि मैंने अल्लाह के साथ शिरक किया था आज उसका बदला दिया जा रहा है तो अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता अल्लाह ताला किसी का नुकसान नहीं करता अगर अल्लाह ताला ने नुकसान किया भी है तो उसके पीछे हिकमत होती है उस नुकसान में बड़ा फायदा होता है ये बहुत अहम चीज है इस बात को हम समझे कि अल्लाह ताला तभी अपने बंदों का नुकसान नहीं चाहता तो इस्तेखारा के जरिए इंसान अल्लाह ताला से मशवरा लेता है और उस मशवरे पर वो जब अमल करता है तो उसमें उसका फायदा ही फायदा है अल्लाह सुबह अलबकरा आयत नंबर दो सौ सत्तावन में इसका जिक्र करता है अल्लाह मोमिनों अल्ला का जो है दोस्त है वली है जो भी लोग ईमान लाए अल्लाह उनका दोस्त और अल्लाह क्या करता है अंधेरों में से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है मतलब नुकसान से निकाल कर आपको फायदे की तरफ ले जाता है अल्लाह ताला ईमान वालों का जो है वली है दोस्त है तो वो अपने दोस्त का नुकसान कैसे होने देगा तो जब हम अल्लाह ताला से मशवरा तलब करते हैं इस्तेखारा करते हैं तो अल्लाह तहन में ऐसी बात डालता है जो आपके लिए हंड्रेड परसेंट फायदेमंद है उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि उसमें आपका कोई नुकसान होगा दिखने में फायदे के एतबार से अर्निंग के एतबार से वो अमल छोटा लगे लेकिन अल्लाह सुबहान तौला ने उसमें आपके लिए बड़ा फायदा रखा है जो हमको नजर नहीं आता तो इस्तारा ये नफ़े का हसल और खराबी को दूर करने का एक अमल है कहते हैं ये भी अल्लाह सुबानी की एक हमत इसके अंदर हो सकती है चलिए अब ये थे इसतखारा की हमतें अब इसके बाद हम देखते हैं इस्तारा के आदाब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इस्तेखारा करते हैं लेकिन कुछ इशारा ही नहीं होता हम इस्तेखारा करते हैं लेकिन कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है हम इस्तेखारा कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करना अब तक हमने जो है सौ बार इस्तेखारा कर लिया कुछ भी नहीं हुआ ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं अब इस्तेखारा पे यकीन करना कि नहीं करना तो ये जो अशकालत है इनशा उसके जवाब इसमें आ जाएंगे इस्तेखारा के आदाफ को अगर मलफूज रखा जाए इस के आदाफ को अगर पूरे करके किया जाए तो इनशाला आपको जरूर बजरूर जो है अल्लाह सुबात जो है ऐसी तरफ मुतव करेगा जिसमें आपका सौ फीसद फायदा ही फायदा है सबसे पहली चीज है इस्तेबाद है जैसी दूसरी इबादतें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व्म ने जो भी चीज का हुक्म दिया मखसूस तरीके के जरिए वो सब इबादत में शामिल होते हैं हम अपने मर्जी से कोई अमल करके उसको इबादत नहीं समझ सकते हमको पांच वक्त की नमाज का हुक्म दिया कैसे पढ़ना है कौन से वक्त पे पढ़ना है सब बता दिया ये इबादत है हमको हज का हुक्म दिया है कैसे करना है कब करना है अल्लाह के रसूल ने पूरा अमल के साथ बता दिया ये इबादत है रोजे का एक महीना दिया गया है फर्ज है बता दिया वक्त बता दिया कैसे रखना है सब ये इबादत है तो इबादत के सारे तरीके हमको बता दिए गए हैं वैसे इसतारा भी एक इबादत है तो उसका भी तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया अपने मन से हम नहीं कर सकते तो इसलिए उनके आदाब को वैसे ही करना ज़रूरी है जैसे पांच वक्त की नमाजें पढ़ते वक्त हम ये पढ़ते हैं जानते हैं यही हासिल करते हैं अल्लाह के रसूल ने कैसे किया था वैसे इसतखारा करने से पहले भी हमें जानना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया था तो उसके पूरे आदाब को उनको मलफूज रखना पड़ेगा तो उसमें सबसे पहली चीज है जैसे इबादत के लिए तहारत जरूरी है वैसे इस्तारा के लिए भी तहारत जरूरी है जिस्मानी और बातिनी दोनों तहारत का इंसान एहतमाम करे जैसे बग़ैर तहारत की नमाज नहीं होती है तो इस्तेखारा के लिए भी दो रक़त पढ़ना जरूरी है तो तहारत तो लाजिम रहेंगे ठीक है दूसरा है नीयत नीयत करना बहुत अहम है, इन्नमल आमालू बिन बुखारी की पहली हदीस के आमाल का दारोमदार नीयतों पर है इंसान जैसी नीयत करता है उसको वैसा बदला मिलता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई नेक काम करने का इरादा हो तो पहले नीयत कर लो तो नीयत बहुत अहम है अब आप को, कोई दो काम करने हैं कोई दो चीजों में से फैसला तय करना है तो आप सबसे पहले नियत कर ले कि मुझे इस्तेखारा करना है मतलब उस काम जब आप कोई कन्फ्यूजन में आ जाए दो काम है उसमें से कौन सा किया जाए तो फौरन नियत कर ले कि मुझे इस्तेखारा करना है अब नियत कहते किसे हैं? तो नियत कहते हैं दिल के इरादे को जो जुबान से हम बोलते हैं उसको कौल कहा जाता है जैसे हमारे पास एक गलत रिवाज पड़ गया है हम नमाज के लिए खड़े होते हैं हम पढ़ते हैं दो रकात फजर की मैं पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ इमाम के पीछे तो ये कॉल है जो मुंह से बोला जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नीयत कभी नहीं की सहाबा ने भी ऐसी नीयत कभी नहीं की नीयत कहते दिल के इरादे को लोग बोलते नहीं ये नीयत है वो नीयत का है वो तो कॉल है आप किसी से भी पूछिए जो अरबी का जानने वाला है नियत दिल के इरादे को बोलते हैं जैसे रोजा रखने की नियत जुबान से भी अदा करना है जैसे हदीस में आता है रोजा रखने से पहले लेकिन नमाज से पहले मुंह से कुछ बोलना है ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं तो नियत कहते हैं दिल के इरादे को और जहां पर दुआ का जिक्र है नियत के बाद तो वहां भी शरीयत ने हमको बता दिया है लेकिन नमाज के लिए कोई ऐसी दुआ हमको यानी तकबीर से पहले रकात बांधने से पहले कोई दुआ पढ़ना ऐसा कोई जो है साबित नहीं है तो दिल में हम इरादा कर ले कि हमको इस्तारा करना है दूसरी चीज तीसरा अदब यह कामिल जो है मुकम्मल हमारा इस्तारा की तरफ हो यह बहुत अहम है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा उसके रावी तिरविजी की हदीस है अल्लाह ताला से कबूलियत के मुकमल यकीन के साथ दुआ करो याद रखो अल्लाह तलाफिल और बेध्यान दिल की दुआ कबूल नहीं करता वाज हदीस अल्लाह तला से मुकम्मिल यकीन और तवज्जह के साथ दुआ करो क्या फरमाया अल्लाह के रसुल? क्योंकि रसुल्ला बेध्यान दिल मतलब जिसका ध्यान नहीं अपनी दुआ में जब वो मांग रहा है अल्लाह उसको कबूल नहीं करता मतलब हम जाते हैं नमाज के लिए खड़े रहते हैं हमारा ध्यान नहीं रहता है नमाज के अंदर अब कितने लोग इसखारा की नमाज़ पढ़ते हैं आप उनसे पूछिए कि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन नमाज में था अक्सर कहेंगे नहीं ईमानदारी से अगर कहे तो तो ध्यान के साथ पूरी तवज्जो के साथ और अल्लाह पर यकीन के साथ जो है दुआ की जाए नमाज भी पढ़ी जाए और दुआ भी पूरे ध्यान के साथ कुछ लोगों को आपने देखा होगा तो नमाज के बाद सलाम फेरते हैं और फटाफट दुआ मांगते हैं और भागते जल्दी से उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि कितने अल्फाज उन्होंने अदा किए उस दुआ में उन्होंने क्या क्या मांगा उनको ये भी नहीं रहता आप पूछ के देखिए उनको अक्सरियत को यह भी नहीं पता है क्या क्या मांगा और दिल से मांगने वाले की आप दुआ देखिए उसमें कितना इतमान होता है वो नमाज के बाद आराम से रुकता है अच्छे से अपने हाथ उठाता है या नमाज का वक्त ना भी हो उसको दुआ मांगना है तो आप देखिए कितने एहतमाम से वो बैठता है सुकून के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में वो दुआ करता है अल्लाह ताली की तारीफ़ बयान करता है दुरुद इब्राहिम पढ़ता है तो वो जो चैन और सुकून के साथ ध्यान के साथ दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है जो ध्यान के साथ जो है ना करे उसकी दुआ कबूल नहीं होती ये सर्टिफाइड है मतलब लिखा हुआ है जिसमें अल्लाह के रसुल ने बता दिया उसकी दुआ कबूल नहीं होगी जो बेध्यान दिल हो ध्यान उसका दिल मतलब उसका दिल ही नहीं है दुआ के अंदर तो वो कबूल नहीं होंगी यही वजह है आज हम इस्तार करते हैं लेकिन कबूल नहीं होते हैं कोई मशवरा नहीं मिलता है चौथा अदब यह है कि मासीत को छोड़ दे अगर कोई गुनाह में हम मुलिस हैं तो उस गुनाह को छोड़ दे वरना जो गुनाहों में होता है अल्लाह सुबाना तक उसकी मदद नहीं करता अभी सूर्य बकरा आयत नंबर दो सौ सत्तावन अभी हमने देखी अल्लाह वली आमनु अल्लाह वली है ईमान वालों का अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का तो अल्लाह जिनका दोस्त है उनको गाइड करेगा अल्लाह तो हम चाहते हैं कि अल्लाह हमको अपना दोस्त बनाए हमको गाइड करें हमको जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए तो उसे चाहिए कि वो जो है गुनाह को छोड़ दे मासीत को छोड़ दे और गुनाह और मासीत से जो रुकता है ना अल्लाह सुबहान ताल उसको बहुत सारे इनाम देता है तुरन तुरं के अंदर जो है आयत नंबर दस ग्यारह और बारह अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें नू असलाम ने जो अपनी कौम से कहा था कि फकुलिर नफारा ए मेरी कौम अपने रब के हजूर मफरत तलब करो माफी मांगो वो बहुत माफ करने वाला है तो वो फिर क्या करेगा जब तुम उससे माफी मांगोगे अपने गुनाहों को जब तुम छोड़ दोगे तो वो आसमान को तुम पर बरसता हुआ छोड़ देगा खूब बारिश देगा तुमको और हमको पता है बारिश ही किसी भी कंट्री की इकोनॉमी होती है कोई भी मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जहाँ पर अच्छी बारिश होती हो जितनी ज़रूरत है तो आसमान को तुम पर बरसता हुआ छोड़ देगा वो युम दिद कुंभ अमवाल और तुम्हारे माल में बहुत इजाफा कर देगा वलबन और तुम्हारे बेटों में और बाग तुमको बाग देगा घने बाघ अनहारा और उसमें नहरें भी जारी करेंगे ताकि बाग हमेशा तरोताजा रहे इंसान की जरूरत की पूरी चीजें आ गई इसमें पानी जिसके लिए हमेशा परेशान रहता बेसिक नीड है और सारी चीजें उस पर मुनसर है दूसरा माल अर्निंग के लिए तो इंसान दिन और रात भाग दौड़ कर रहा है इसतारे भी अक्सर इसी से ताल्लुक होते हैं ठीक है तीसरा बनिन यानी बीवी और बच्चे दोनों ताल्लुक इससे आ गया इंसान इसके लिए भी बहुत भाग दौड़ करता है और परेशान होता है और इसी के लिए ज्यादा किया जाता है और बाग बात मतलब फल रिज और फिर नहरें मतलब ताकि ये जो नियामत है वो हमेशा बाकी रहे उसके लिए नहरें भी जारी करेगा तो पांच चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये पांच चीज़ों को ही मॉडर्न एज में उसको अलग अलग नाम के जरिए या अलग जरा जराए के जरिए जो है पहचानते हैं लेकिन मकसद यही कि दुनिया की तमाम ज़रूरतें इंसान की पूरी हो और इसी के लिए इंसान इस्तेखारा करता है तो इस्तेखारा के अदब में यह भी है कि इंसान तोबा करे गुनाहों से तो उसका इस्तेखारा जो है मजबूत होगा सही मशवरा की तरफ से उसको मिलेगा सही गाइडेंस मिलेगा जिसके जरिए से वो सौ फीसद कामयाबी से तो जो है हमकिनार होगा और जो है वो उसको पालेगा और गुनाहों से अपने नुकसान से अपने आप को बचा लेगा तो मासीत से बचा जाए कोई इंसान खूब गुनाहों में लिपटा हुआ है गुनाहों में मुलिस है और वो इस्तारा करता है तो मुमकिन नहीं है कि उसको जो है कोई सही मशवरा मिले ठीक है पांचवी चीज है जो है इस्तारा की दुआ में सुन्नत तरीक़े को अपनाया जाए हम दुआ कर लेते हैं आमतौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत फ बिन अब्दुल्ला उसके रावी है तिरमीजी की हदीस है हजरत फजाल फरमाते हैं हम मजीद नब्बी में बैठे हुए थे एक आदमी आया उसने जो है जल्दी जल्दी तेज तेज दुआएं की अल्लाह मुझे फला दे दे अल्लाह मुझे फला दे दे मुझ पर रहम कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और कहा कि अल्लाह ताला ऐसी दुआ कबूल नहीं करता तुम जब भी दुआ करो तो पहले हमद करो अल्लाह ताला की खूब तारीफ़ करो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मुझ पर दुरूद भेजो यानी दुरूद इब्राहिम जो नमाज में हम पढ़ते कहा कि दुरूद पढ़ो फिर उसके बाद अपनी हाजत को रखो दूसरा एक आदमी आया उसके बाद उसने जो है सना की अल्लाह ताली की नमाज पढ़ने के बाद फिर उसके बाद उसने दुरुद इब्राहिम पढ़ा फिर उसने अपनी हाजत रखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी दुआ कबूल हुई इस हदीस से हमें पता चलता है जो इसखारा की दुआ हम करेंगे उससे पहले अल्लाह की हमद करना चाहिए सिर्फ इस्तारा की दुआ के नहीं कोई भी दुआ के लिए जब भी हम दुआ करेंगे अल्लाह की खूब तारीफ कीजिए फिर उसके बाद दुरुद इब्राहिम पढ़िए और फिर अपनी हाजत रखिए और फिर दुरुद इब्राहिम पर खात्मा कीजिए यह सही तरीका है तो ही इंसान की जो है दुआ कबूल तो की जाती है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजता है दरुद इब्राहिम नहीं पढ़ता है अपनी दुआ में उसकी दुआ जो है आसमान और जमीन के दरमियान लटकती रहती है वो अल्लाह के पास नहीं पहुँचती ये अल्लाह सुबाना तला की तरफ से तयशुदा बात है कि आपको दरुद पढ़ना ही है तो सुन्नत तरीके से दुआ का अहमाम छठी चीज़ है हलाल रोजी जिस इंसान की रोजी हलाल ना हो उसको इस्तारा से कोई फायदा नहीं है उसका तिजारत हराम है खाना पीना हराम है तो उसको कोई फायदा इस्तारा से नहीं होगा हजरत अबू हुर रजियन फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीसे तवील हदीसे उसका आखिरी हिस्सा मैं बयान करता हूँ अल्लाह के रसूल सल्ला फरमाया कि एक आदमी जो एक गर्द वबार में आलूद मतलब पूरी धूल मिट्टी उसको लगी हुई एक लंबा सफर तय करके पहुँचता है तो उसकी शराह के अंदर जो है कुछ महादेन ने लिखा कुछ मुफसरीन ने कि उससे मुराद वो आदमी हज को गया है किसी ने कहा कि वो जिहाद पर निकला है और दोनों ही अमल अपने अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, मतलब कि दोनों में से किसी को भी लिया जाए तो बहुत बड़े अमल है एक आदमी लंबा सफ़र तय करके पुराने ज़माने में घोड़ों पर ऊँटों पर सफ़र किया जाता था हज के लिए और जिहाद का मामला तो बड़ा सख्त होता था तो एक आदमी लंबा सफर तय करके गया है कि पूरा गर्द गुबार धूल में लिपटा हुआ इतना थका आ रहा है और अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करता है मेरे क्या ऐसे आदमी की दुआ कबूल होंगी जिसका खाना हराम जिसका पहनना हराम और जिसकी परवरिश हराम हो मतलब उसका रिस्क हलाल नहीं था हराम तरीके से कमाई जो है वो खाता था तो ऐसे आदमी की दुआ कबूल नहीं होगी इसमें इशारा किया इस हदीस के अंदर और इस हदीस का पहला हिस्सा जो है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक है और पाक चीजों को पसंद करता है तो ऐमान वालो तुम रोजी को पाकिख्तियार करो कम क्यों ना हो लेकिन ऐसी अर्निंग जो हलाल है शरीय की नजर में जो हलाल है जो सही चीज हो क्योंकि अल्लाह ताला पाक चीजों को पसंद करता है और अल्लाह भी पाक है तो ये जो है छठा अदब सात है यकीन कामिल मतलब जो भी आप चाहते हैं कि अल्लाह सुबहाना तला की तरफ से मशवरा मिले तो उस पर ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुबहाना तला जिस तरफ हमको इशारा करेगा जिस तरफ हमारी रहनुमाई करेगा उसमें सौ फीसद कामयाबी हंड्रेड परसेंट कभी कुछ लोगों को देख देखा गया है निकाह के मामले में वो इस्तारा करते हैं दो रिश्ते आ गए लेकिन एक की तरफ पूरा मैलान है कि इससे ही करना है अपने को और इस्तेखारा फॉर्मेलिटी होता है तो ऐसे इस्तखारे का भी कोई फायदा नहीं इस्तारा जब किया जाए तो उलमा कहते हैं कि अपने दिल को दोनों रुझाना की तरफ से मुकम्मल खत्म कर दो मतलब होता ना एक इंसान इस्तारा करता है चुप बताने के लिए लेकिन उसका इरादा तो होता ही है एक्स पर्सन इधर ही अपने को जाने का है लेकिन इस्तारा कर लो तो उसको ऑलरेडी ध्यान पूरा एक तरफ है तो फिर के उस उसको काम नहीं आएगा बल्कि वो इस्तारा करते वक्त ये सोचे इंशाल्लाह दुआ में आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी जो दुआ है इस्तारा करते वक्त इंसान क्या करे दोनों तरफ से अपना मैलान पूरा खत्म कर दे दोनों चीजें अच्छी है दोनों दुरुस्त है दोनों जायज है सारी चीजें लेकिन अब क्या करना तो अब अल्लाह ताला से वो सच्चे दिल से जो दुआ करें कि अल्लाह ताला जो बेहतर हो उस तरफ मेरी रहनुमाई कर लेकिन आप दुआ कर रहे हैं जुबानी लेकिन जहन पूरा एक ही तरफ है अपने तो फिर उसको इस्तेखारे का फायदा नहीं होगा अब इस्तेखारे का हुक्म इसके ताल्लुक से उलमा लिखते हैं इस्तारा मुस्तहब है वाजिब नहीं है इंसान के पास किसी दो काम आ गए हैं दो चीजों में उसको फैसला करना है दोनों दुरुस्त है दोनों अच्छे हैं दोनों शरीय एतबार से पूरे जो तक है पूरे उस पर उतरते हैं लेकिन आपका दिल किसी एक तरफ है तो आप कर गुजरीये इसखारा की जरूरत नहीं है मतलब आप ना भी करें तो चलेगा लेकिन ये मुस्तहब अमल है पसंदीदा अमल है अल्लाह को खुश करने वाला अमल है इसलिए हमें इसे करना चाहिए ठीक है तोलमा कहते हैं कि वाजिब नहीं है जरूरी नहीं है करना लेकिन अगर करते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है चलिए इस्तेखारा से पहले जो असल चीज है आदाब में तो सारी चीजें आ गई लेकिन फिर से एक बार कौन ले रहे हैं इस्तेखारा से पहले जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है अमल के एबार से जहन को पाक कर ले साफ और खास तरफ रुझान न रखे किसी एक तरफ अपना ध्यान ना रखे कि ये तो करना ही अपने को इस्ते में जो आया है अपने को तो ये करने का तो ऐसे इस्तेखारे का उसका कोई फायदा नहीं होगा और दिल में हमेशा ये नियत रखे कि ये खैर और भलाई होना चाहिए मेरे लिए दीनी और दुनिया भी दोनों एतबार से इस तरह फिर अब नमाज का जो उसका जो उसका तरीका है इस्ति का वो ये है नीयत करें कि मैं इस्तारा करने जा रहा हूँ दिल में नीयत कर ले वजू अच्छी तरीके से करें फिर उसके बाद दो रकात नमाज पढ़े दो रकात नमाज पढ़ना ये मिनिमम है हज़रत अयूब अंसारी रजी ने निका का जब इरादा किया तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कहा कि तुम दो रकात पढ़ो जितनी ताकत हो इस्तात के मुताबिक और फिर दुआ करो तो इससे इमाम शोकानी रमत ने लिखा कि इंसान दो से ज्यादा भी इसतारा की नमाजें पढ़ सकता है दो रक़त मिनिमम है उससे ज्यादा वो चाहे तो पढ़ सकता है अबू ऐब अंसारी रजन की इस रवायत के ज़रिए चार भी पढ़ सकता है छह भी पढ़ सकता है लेकिन मिनिमम दो है तो आप दो रकात नमाज पढ़ेंगे फर्ज नमाज के बाद सुन्नत होने के बाद अलग से दो रकात पढ़िए या कभी भी आप दो रकात पढ़ सकते हैं इसका कोई वक्त मुतन नहीं है कुछ लोग वक्त मुतन करते हैं इसका कुछ खास कमरी दिनों के हिसाब से इस्तारा का दिन भी तय करते हैं कुछ लोग ये सब बेकार चीजें हैं कोई इसका सुन्नत से ताल्लुक नहीं है अल्लाह के रसुल ने कोई इसका वक्त मुतन नहीं किया बस आम जो ममनू वक्त है नमाज के उस वक्त में भी आप नहीं पढ़ेंगे उसको लेकिन जो जिस वक्त में आप दूसरी नफील नमाजें पढ़ सकते हैं इसतखारा भी पढ़ सकते हैं तो नियत वजू दो रकात नमाज पढ़े और फिर दुआ करें दुआ का तरीका मैंने आपको बता दिया अब इसतारा की जो दुआ है इन शी उसका माना हम देखेंगे माना देखने से हमें और उसकी अहमियत पता चलती है कि, कि कितनी बेहतरीन दुआ है ये जिसको हम कितना नजरअंदाज करते हैं या करते आए को इस्तेमाल नहीं किया दो इस तरह से अल्लाहनी अरे अल्लाह मैं तेरे इल्म के जरिए तुझसे भलाई का सवाल करता हूँ और तेरी कुदरत के जरिए से हिम्मत का तलबगार हूँ वस अलकमिन फजल अजीम और मैं तेरी बहुत ज्यादा फजल का जो है सवाल करता हूँ कि तू बहुत फजल वाला है अल्लाह की बड़ाई है इनका तकदीरु वाला उकदीरु वम तु क्योंकि तू कुदरत रखता है मैं कुदरत नहीं रखता तू जानता है मैं नहीं जानता उसके बाद फिर उस काम को आप बयान करें जो काम आपको करना है ये दुआ यहाँ तक हुई अब इसके बीच में आपको वो काम करना है हिस्सन मुस्लिम एक छोटी सी किताब आती है उर्दू हिंदी और अंग्रेजी तीनों जुबान में कीमत भी ज़्यादा नहीं होती है दुआ ऐसी है कि हर घर में होना ये किताब ऐसी है कि हर घर में होना चाहिए पैदाइश से लेकर वफा तक जितनी भी जरूरत की दुआएं हैं सब इसमें जो है उसके जो मुसन्फ़ नहर जो है लिख दी है तो आप उसको जरूर अपने पास है कि इसमें दुआ दी गई है और जहां अपनी ज़रूरत आपको रखना है वहां पर ब्रैकेट मारा हुआ है आप उसको वहां पर उस जगह को रख दे याद नहीं है आपको आप देख कर भी पढ़ सकते हैं दुआ को ठीक है तो फिर उस काम को रखे जो आप करना चाहते हैं फिर उसके बाद कहे कि खैरुल्लिफी दीनी वाशी व आती अमरी मेरे दीन और माश के अंजाम का से अगर ये चीज बेहतर हो ठीक है या हदीस में कुछ अल्फाज ऐसे भी है आजिलू अमरी आजिला यानी जल्द या बद मतलब जिस चीज का सवाल कर रहा हूँ और जिसमें तू मेरे मुझे मशवरा दे गाइड करे वो अभी मिले या बाद में मिले लेकिन अगर मेरे लिए बेहतर है तो वही कर अला काम जो मैं करने जा रहा हूँ अगर वो मेरे दीन और माश के एतबार से अगर अच्छा है तो तू जरूर मुझे दे अभी या देर से लेकिन दे उसको ठीक है फिर आगे कहे बारिकली كنت تعلم. तो फिर तू इसे मेरे मुकद्दर कर दे और इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरे लिए इसमें बरकत पैदा कर दे फिर आगे वो इनकुन तो तालम, अन हाजल अमर लेकिन अगर तू जानता है कि ये फला फला काम फिर उस काम को आप वहां पर रखेंगे शर्रिफी दीनी व माशी व आकेबती अमरी मेरे दीन और माश के एतबार से ये बेहतर नहीं है या उसमें अल्फाज ये अदा कर सकते हैं जो पहले आए आजीली अमरी व आजीली के अभी या देर मतलब ये काम जो मैं कर जिसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ अगर ये बेहतर नहीं है मेरे दीन और माश के एतबार से तो जो है तू अभी या बाद में या हो सकता है वो चीज बुरी हो अभी आपके हिस्से आ जाए तो ये दुआ का कितना बेहतरीन माना है कि ये चीज़ अगर मेरे लिए बेहतर ना हो तो अभी या बदेर यानी बाद में तो इसको मुझसे दूर कर दे और मेरे लिए मेरे लिए बेहतरी और भलाई मुकद्दर कर दे जहां भी वो हो फिर मुझे इससे खुश कर दे ये है इसतखारा की दुआ का माना सबसे पहले इसमें अल्लाह ताला के इल्म से आपने सवाल किया कि अल्लाह तू इल्म रखने वाला है तो तुझ मेरी हाजत को पूरा कर और मुझे हिम्मत दे जो काम मैं करने जा रहा हूँ दूसरी तीसरी चीज़ इसमें कहा गया कि जो है अल्लाह सुबाना तला से दुआ की गई कि अल्लाह ताली तुम बड़ा अजीम है हम तेरी फजीलत का जो है सवाल कर रहे हैं इसी तरह जो तकदीर में जो चीज़ें वो तुझे पता है मुझे पता नहीं है फिर अपनी हाजत को हम पूरा करें फिर उसके बाद ये दुआ करें कि अगर ये मेरी किस्मत में मेरे लिए बेहतर है तो तू तो इस काम को मुझसे करीब कर दे अधी या देर से और उसी के मुखालिफ फिर ये इस दुआ में ये मांगा गया कि अगर ये फला फला काम मेरे लिए दुरुस्त नहीं है तो इसको मुझसे दूर कर दे और जो भलाई वाला रास्ता हो उस तरफ जो है मुझे मतवहा करके मुझे खुश कर दे तो ये इसका माना हुआ अब इस्तारा के फायदे इसखारा का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इंसान अगर कामिल यकीन से इस्तारा करे तो इससे अकीदे में मजबूती आती है अकीदे में इंसान की मजबूती आती है कि इंसान इसतखारा करता है अल्लाह से दुआ करता है और वो अपने काम पर जो है डट जाता है क्योंकि वो कौमें या वो लोग जिनके पास ऐसा कोई तरीक़ा मौजूद नहीं है खैर और भलाई को तलब करने के लिए कोई अमल उनके पास नहीं है तो वो दिन और रात जो है परेशान रहते हैं कि किससे मदद मांगी जाए किसके सामने सवाल किया जाए आप देखते होंगे फला चीज को मांगने के लिए खुदा है फला के लिए अलग खुदा है अलग अलग जो है खुदा लोगों ने बना रखे इसी तरह गैरों को छोड़ दीजिए अपनों ही के पास आप देखिए फला मुराद पाना है तो फला शहर जाना पड़ेगा फला मुराद के लिए फला शहर जाना पड़ेगा तो ये लोगों ने देखिए अपने जो है अकीदों को किस तरह से खराब किया एक तरीक़ा नहीं होने की बुनियाद पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको एक तरीका दिया है जिससे इंसान का अकीदा मजबूत होता है और सीधे अल्लाह व तआला से जाकर जुड़ता है दूसरा अल्लाह से मोहब्बत का जरिया है अल्लाह से खुश होता है जो उसके सामने सर झुकाता है और उससे मदद मांगता है हदीस आपके सामने आ चुकी है हम पहले बयान कर चुके हैं कि अल्लाह कितना खुश होता है जब बंदा उसके सामने दुआ रखता है इसी तरह आजिजी का इजहार इससे इंसान जब झुकता है अल्लाह के सामने तो इससे उसकी आजिजी समझ में आती है और जब बंदा आजिजी को इख्तियार करता है तो अल्लाह खुश होता है कि इसने मुझे अपना रब माना है इसने मुझे अपना खुदा माना है तो अल्लाह ताला खुश होता है इससे आजिजी का इजहार होता है इसी तरह मदद का सवाल मतलब जो जो मदद उसने मांगी है जो उसने सवाल किया है अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला उसको जो है पूरा करता है मतलब इंसान का इंसान की जो अपनी ख्वाहिश है या उसका जो इरादा है या जो उसका अमर जो अमल वो करना चाहता है अल्लाह ताला इस अमल के जरिए उसकी मदद फरमाता है इबादत का जरिया है अल्लाह ने तुरब बकरा के अंदर इस बात को जिक्र किया के हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कि अल्लाह ताला ने तो इंसान को जो पैदा किया है वो अपनी इबादत के लिए तो खारा एक इबादत है और इसके जरिए से इंसान जो है अल्लाह ताला की इबादत करता है अल्लाह ताला का कुर्ब है मतलब इंसान इसके ज़रिए अल्लाह सुबहान के करीब पहुंचता है हदीस इस तरह से मुस्लिम शरीफ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान जब फराइज के अलावा सुन्नत और नवाफिल में आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाता है हदीस हदीसी खुदसी है अल्लाह ताला कहता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिस हाथ से वो पकड़ता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिस आंख से वो देखता है मैं उसके कान बन जाता हूँ जिस कान से वो सुनता है मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिस पैर से वो चलता है तो मुराद क्या है तो मुराद यह है इमाम नबी रहमला ने रियाजन में इसी बात को लिखा अल्लाह ताला हाथ बन जाता है इससे मुराद ये कि अल्लाह ताला उसके हाथों से गलत काम नहीं होने देता उसकी आंख बन जाता है इससे मुराद मुरादिए कि अल्लाह ताला उसकी आंख से बुरी चीज़ें देखने नहीं देता उसके कान बन जाता है मतलब बुरी चीज़ें सुनने नहीं देता उसके पैर बन जाता है इससे मुराद उसके कदम बुराइयों के तरफ नहीं जाते हैं हमारे कुछ भाइयों ने इसका माना गलत लिया कि देखो हदीस में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह हाथ बन जाता है मतलब अल्लाह ताला हाथ में है वहदतल वजूद का जो अकीदा है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है तो इस हदीस को भी पेश किया जाता है इसके अकीदे के लिए कि देखो अल्लाह ने खुद कहा कि मैं हाथ बनता हूँ पैर बनता हूँ मतलब अल्लाह हर जगह है तो इनको फिर वैसे ही दूसरी हदीस जो है ये भी जाननी चाहिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम नबियों की जो है मिसाल एक दीवार की तरह है जो पूरी दीवार मुकम्मल हो गए पूरे अम्बी आकर चले गए एक ईंट की जगह खाली थी तो मुझे वहां पर रख दिया गया तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही मिसल लिया जाए तो क्या ईंट है आप रोस बिल्ला नहीं है तो ये मिसालें होती है समझाने के लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी मिसाल कैसे दी एक ईंट की तरह तो वैसे ही अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो मिसाल दी कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ मतलब उसके हाथों से बुरे काम नहीं होने देता हूँ और ये हमारी तफसीर नहीं है इमाम नवी आज से जो है आठ नौ सौ साल पहले की बात है उन्होंने जब इसकी तफसीर की इमाम नवी रहमतल ने इससे कहा कि इससे मुराद हाथ बन जाता है मतलब उसके हाथों से अल्लाह ताला बुरे काम नहीं होने देता अब इस हदीस का जो असल मकसद है वो ये कि अल्लाह इतना करीब अपने बंदे के आता है कि उससे बुराइयां दूर कर देता है तो ये अल्लाह ताला के तुरबत का जरिया है सुन्नत और नवाफी फराइज से हटकर जब इंसान इबादत ज्यादा करता है तो अल्लाह उसके करीब हो जाता है बहुत ज्यादा तो बहुत ज़रूरी है कि हम सुन्नत और नवाफिल का भी अहतमाम करें ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसी चीज़ों का भी अहतमाम करें जो कि मुस्तहब है कि वाजिब नहीं है लेकिन कोई मामला जब पेश आ जाए जब कोई राय मशवरा हमें अल्लाह ताला से लेना हो तो हम ज़रूर जो है उसके लिए इस्तारा करें क्योंकि ये अल्लाह से रबत का जरिया है इसी तरह परेशानी से निजात है मतलब इंसान अल्लाह पर यकीन करके दो नमाज पढ़ के दुआ कर लेता है अब वो टेंशन फ्री है तो इंसान के पास अगर कोई जरिया ना हो तो हमेशा परेशान रहता है क्या करूँ क्या होगा अब तो अपन ने फला फैसला कर लिए अब क्या होता है वो बोल रहा अच्छा नहीं किए ये बोल रहा अच्छा किए वो बोल रहा ठीक अच्छा नहीं है वो बोल रहा दुरुस्त है सब लोग अलग अलग राय दे रहे अब मैं क्या करूँ लेकिन जब इंसान सही तरीके से इस्तेखारा करता है तो वो रिलैक्स हो जाता है अब अल्लाह के भरोसे वो छोड़ देता है और उसका यकीन होता है कि अल्लाह ताला उसका नुकसान कभी नहीं करेगा इसी तरह तदबीर पर अदम एतमाद मतलब तकदीर के साथ साथ उसका तदवीर तदवीर के ऊपर भी जो एतमाद आता है क्यों क्योंकि बहुत सारे मुहदसिन और ने जो लिखा है कि इस्तारा कैसे करना चाहिए उन्होंने कहा कि इस्तारा में चंद स्टेप्स को जो है हम अपनाएं कुछ अकदाम को उठाए कैसे कहा कि सबसे पहले जो दो चीजों के बारे में आप फैसला करना चाहते हैं उस फील्ड के जो माहिर है उस शोबे के जो माहिर है उनसे मशवरा ले क्या किया जाए क्योंकि हदीस है मशवरे में बरकत है जंग बदर का मौका था अल्लाह के रसूल ने सहाबा से मशवरा लिया हालांकि आप नबी है सबसे ज्यादा इल्म है डायरेक्ट आपका कॉन्टेक्ट अल्लाह से है अलैहिस्सलाम सीधे आते आपके पास फिर भी हजरत अबू अबूबकर से, से मशवरा ले रहे हजरत उमर से मशवरा ले रहे हैं हजरत उस्मान से मशवरा ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं मशवरा ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जरिए हमको सिखा कर जा रहे हैं कि कोई भी काम करना है तो मशवरा किया जाए किसी ने एक सवाल उठाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के इतने करीब थे अल्लाह के इतने महबूब थे कुरान सबसे ज़्यादा तिलावत करते थे रातों को तक जो है खड़े रहते पैरों पर वर्म आ जाते तो आप पर जादू कैसे हो सकता है ये सब गलत बात है आप पर जादू नहीं हुआ कुछ लोगों ने जादू का इनकार किया तो इसके जवाब में किसी ने बहुत अच्छा लिखा है तफसीर में अल्लाह अगर चाहता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हरगिज नहीं हो सकता था लेकिन अल्लाह ताला ने इसको होने दिया ये अल्लाह की तरफ से था ताकि उम्मत को एक जो है तरीका मालूम हो जाए कि अगर नबी के साथ ऐसा हुआ तो नबी ने क्या अमल किया सुर फल सुर नास आयतल कुर्सी सुर फातह वगैरह इसको जो है पढ़कर दम किया तो उम्मत को सिखाना मकसद है यहाँ पर कि तुम्हारे साथ जब कुछ हो जाए तो तुमको भी ऐसे करना है वरना इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि अल्लाह की इजाजत के बगैर जादू भी किसी पर नहीं हो सकता कोई जादूगर कितना ही बड़ा माहिर हो उसमें अल्लाह की इजाजत ना हो जब तक उस पर जादू नहीं हो सकता इसमें अल्लाह सुबाना तला की तरफ से हिकमत होती है अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई चीज नहीं होती है इससे अल्लाह दूसरे को आजमाइश में डालता है आजमाता है तो वैसे ही अल्लाह सुबह चाहता तो सीधे हंड्रेड परसेंट वाला फैसला जो मशवरा है वो अल्लाह के रसूल को जबरा के जरिए दे देता दे कि फला क्या कर रहा है लेकिन इंसानों को क्यामत तक अब रहना है अब कोई नबी नहीं आएंगे तो इसके लिए अल्लाह सुबहाना ने तरीक़े मुकर किए हैं अल्लाह ताली अपने नबी को बता सकता था लेकिन अल्लाह तला हर इंसान से बात नहीं करता है सिर्फ वो अपने नबियों से बात करता है तो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के ज़रिए हमें सिखा दिया कि कोई भी काम करना है तो मशवरा किया जाए जंग बदर के लिए मशवरा हुआ जंग वहद के लिए मशवरा हुआ हर जंग के लिए मशवरा हुआ कुछ पॉलिसीज डिसाइड करने के लिए मक्का में मदीना में मशवरे हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जो जो साहब आपके खरीद थे सबसे मशवरा लिया करते थे और आपकी ख़ास बात जो जिस फील्ड में माहिर होता आप उससे मशवरा लेते आप उससे पूछते जैसे खंदक जो खोदी गई थी जंग खंदक के वक्त तो एक साहब को आपने बुलाया कहा कि तुम्हारे पास जब ऐसा मामला पेश आ जाता है कि दुश्मन शहर पे हमला कर देता है तो तुम लोग क्या करते हो उन्होंने कहा कि हम खंदक खोद देते हो तो अल्लाह के रसूल सल्ला वसम फरमाया ठीक है हम भी खंदक खोदेंगे। आपने राय ली ना उनसे तो जो जिस फील्ड के माहिर हो आप जिस तरफ जाना चाहते हैं आपका तल्लुक जिस तरफ से है जिसके लिए आपको इस्तारा करना है उसके लिए उनके माहरी से मशवरा करें और बताते हैं कि ऐसे लोगों से मशवरा करें जो आपके खैर ख्वाब ही हो वरना सिर्फ उनका अपने फील्ड में माहिर होना काम नहीं आएगा कुछ लोग माहिर होते हैं लेकिन दूसरों को घुमाते हैं गलत तरीके बताते हैं गलत रास्ते बताते हैं ताकि आप उनके कॉम्पिटेटर ना बन जाए दो चीज़ें ध्यान में रखें जिससे मशवरा ले वो अहले इल्म हो उस चीज़ का माहिर हो दूसरा वो खैर खा भी हो मतलब नेक हो आपको अच्छी बात बताएगा और बताने वाले का काम भी है कि ईमानदारी के साथ बताए क्योंकि आप किसी का रिस्क रोक नहीं सकते और आपका रिस्क कोई नहीं रोक सकता ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह के ने फरमाया अच्छा मशवरा देना अच्छी बात कहना भी सदक़ा है इसका भी अजर मिलता है इसका भी सवाब मिलता है किसी को आपने अच्छी बात कही उसका काम हो या ना हो आपको एक सवाब मिल गया अगर उसका काम हो गया तो जब तक वो उसके ज़रिए से खैर के काम करेगा आपको भी सवाब मिलता रहेगा ये बहुत बड़े अजर की जो है अजर का जरिया है तो तदबीर पर भी अदम अहतम होता है इस्तारा पर सही तरीक़ा करने से तो मशवरा लें फिर इस्तारा करें इस्तारा करने के बाद इमाम इबन तमिया रमत ने जो बात कही जो मैंने आपके सामने रखी अल कलम तय्यब एक किताब है उसके अंदर जो है उन्होंने इस बात को जो है लिखा है कि इमाम इबन तमिया रमत फरमाते हैं कोई बंदा जब इस्तारा करता है अल इल्म से मशवरा करता है और साबित खत्म हो जाता है मतलब फॉर्मली अब जो फैसला किया उस पर वो जम जाता है, अल्लाह ताला उसको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा उसको कभी कोई नुकसान नहीं होगा चौथी चीज पहली चीज मशवरा लेना दूसरा करना, तीसरा साबित कदम रहना और चौथी चीज जो है उस काम को जो आप कर रहे हैं उससे मुतालिक जो जो लवाजमात है जो उसकी जरूरतें हैं उसको मेहनत के साथ किया जाए अल्लाह के रसोल सल्ला के पास एक आदमी आया उसने खैरत मांगी भीख मांगा कुछ अल्लाह के रसोल सल्लाम ने उसको नहीं दिया उसके हाथ में कोई चीज थी आपने उसको बेचा और उसके जरिए से कोई कीमत आई और आपने अपने पास से एक लकड़ी दी उसमें कुछ कीमत कम पड़ गई थी आपने जो है उसके पास से कोई चीज लेकर बेचकर कुराड़ी का सामने का हिस्सा लिया लकड़ी को उससे अपने हाथों से जोड़ा और उसके हाथ में दिया मतलब एक कुराड़ी बनाकर उसको दी और कहा कि जाओ पहाड़ पर लकड़ियां तोड़ो और इसको लाकर जो है लोगों में बेचो और फिर आपने फरमाया कि एक आदमी ये एक अलग हदीस है दूसरी एक हदीस में अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक आदमी रस्सी लेकर पहाड़ पर जाता है लकड़ियां काटता है अपने सिर पर या अपने कांधे पर डालकर वो लाता है और उसको बेचता है अल्लाह उसके चेहरे को जो है कभी शर्मिंदा नहीं करेगा मतलब उसको दुनिया में शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो मेहनत करता है वो खुद का फील है अल्लाह ताला उसको कभी लोगों के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा तो ये भी बहुत अहम है चौथी चीज कि जो अम्र जो काम हम करने जा रहे हैं को मेहनत के साथ किया जाए तो ये चंद फायदे जो इस्तारा से इंसान को हासिल होते हैं मैंने आपके सामने रखे एक मुख्तर सा मैं उसको दोहरा दूँ अकीदे की मजबूती अल्लाह से मोहब्बत का ज़रिया है आजिज़ी का इजहार है अल्लाह से सवाल इंसान जब करता है अल्लाह उसको पूरा करता है अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का ज़रिया है परेशानी से निजात है तदबीर पर अदम अहतमाद है ये चल पायदे तो थे जल्मा ने इसखारा के तल्ल से बताए मैंने आपके सामने रखे अल्लाह ताली से दुआ अल्लाह से बना तुमारी हर मामले में और भलाई की तरफ जो है रहनुमाई करें इस्तारा के सही जो है अकीदे को समझने की तोफ़ी अदा करें और हमारे भाइयों को भी जो गलत तरीक़ों को जरिए जो इस्तारा करते हैं उनको भी नई तोफ़ी अदा वो सही बात को समझे जब तक अल्लाह ताल को ज़िंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे जब भी हमारा ख़ातेमा हो ईमान पर हमारा ख़ातेमा हो वह आखिर रबालमिनबर रबल सलीमदिल्लाबालम मेरा सवाल था कि आजकल जो बच्चे नौजवान बच्चे कॉलेज के वो टॉस करते तो टॉस करना भी फार्म ही आएंगा और दूसरा सवाल ये था कि अगर कई मामले होते जिसके अंदर नमाज इस्तेखारा ख़ारा का वक्त नहीं मिलता जैसे कि कहीं आज जाते तो उनको डिसीजन मेकिंग जब भी करना पड़ता ऑफिस में या कहीं तो इस मामले में क्या करें कैसा दुआ कोई करे या फिर कैसी नीयत करे मैंने सवाल किया कि आजकल जो मैचेस वगैरह होते हैं उसके लिए टॉस किया जाता है तो ये करना दुरुस्त है या नहीं है आ, इसके ताल्लुक से मेरे में तो अभी कोई बात नहीं है इसका मैं जवाब नहीं दूंगा दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ अवकात ऐसे रहते हैं कि कोई फैसला लेना है डिसीजन लेना है लेकिन वक्त नहीं होता इस्तेखारा करने के लिए तो कोई भी काम जब हम करने जा रहे हैं और वो अहम हो तो मेरे ख्याल से इतना वक्त इंसान के पास होता है कि वो उसको इस्तारा कर ले जैसे मिसाल के तौर पर आप बात कर रहे हैं आप फॉर्म भरने जा रहे हैं किसी कोर्स के लिए कि दो कोर्सेस है इसमें से कौन सा फैसला लिया जाए लेकिन फॉर्म भरने से पहले है, मेरे ख्याल से दस पंद्रह दिन पहले ही आपको पता होता है फॉर्म भरना है इसलिए मैंने इस्तारा के जो है तरीक़े के अंदर पहली जो बात कही जब भी आपका कोई चीज़ का इरादा हो कि दोनों दो में दो से क्या किया जाए तो आप फ़ौरन क्या करें उसके लिए नियत कर ले कि आपको इस्तारा करना है और पहली फुर्सत में जो है इस्तारा को अमल में लाए और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा आपने सवाल किया कि आपका तो पूरा इरादा था एक जगह एक कोर्स में दाखिला लेना है लेकिन ऑन द स्पॉट पहुंचने के बाद किसी ने कहा कि अरे फला चीज़ पे भी कर दो टिक मार दो ये ऑप्शन भी ये भी फायदेमंद है तो मेरी ऐसी राय है कि ऑन द स्पॉट या उसी जगह पर बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार इंसान अगर कोई आपको अच्छी राय दे रहा है जो आपका जो है करीबी भी है और आपको अच्छी राय देता है तब आप उसकी बात सुनकर वहां पर फौरन जो है उस पर अमल कर सकते हैं लेकिन मेरी ये राय कि कोई चीज़ को अचानक वक्त पर बदलना नहीं मतलब उसको तब्दील नहीं करना चाहिए इसमें जो है रिस्क के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं लेकिन कोई तजुर्बेकार है टीचर है वहाँ का वो जानता है उस सारी चीज़ों को और कहता है कि आप फला चीज़ भूल गए अगर आप ये ऑप्शन भी मारेंगे तो अगर इधर दाखिला ना हो तो इधर हो सकता है तो ये उसकी राय की बुनियाद पर है तो अब इस्तारा जो है मैंने कहा ना वाजिब नहीं ये मुस्तैब है तो वहाँ पर आपको वक्त ना मिले तो आप सिर्फ उस मशवरे पर इतफ़ा करेंगे और मशवरे के हिसाब से जो है जो आपको बेहतर लगा आप उसको जो है फैसले को ले सकते हैं ये पहले इस्तेखारा है या मशवरा है और दूसरा सवाल ये वार्थ वार्थ है कि इसके इस्तखारा की किताब भी व्हाट्सएप पर अवेलेबल है मोबाइल ऐप्स पे हाँ भाई ने सवाल किया कि जिस तरह मैंने बताया कि इस्तारा के अंदर पहले लोगों से मशवरा लेना है या पहले इसतखारा करना है इमाम इब्न तेमिया रमोतल ने अलकलम तयीब जो है उसके अंदर जो इस बात को लिखा है उन्होंने तो सिक्वेंस ऐसे बताया कि आप इस्तारा करें मशवरा लें और फिर उसके बाद जो है साबित कदम रहे लेकिन इससे मुराद ये भी हो सकता है कि इंसान इस्तारा कर ले लेकिन अल्लाह सबाना तला की तरफ से अभी कोई रहनमाई ना मिली हो इसखारा उसने मुकम्मिल कर लिया दो रक़त नमाज पढ़ी दुआ की फिर उसके बाद उसको कोई शख्स मिल गया जिससे वो मशवरा ले सकता है तो वो मशवरा भी ले ले मशवरा लेने के बाद भी उस इस्ते का असर हो सकता है कि अल्लाह ताला उन मशवरों में से जिस तरफ उसके लिए बेहतरी होंगी उसका ध्यान उसका दिल उस तरफ मुतवज्जा कर देगा तो मशवरा बाद में भी ले सकते हैं तो बेहतर यह है कि सबसे पहले हम दुनियावी एतबार से जो अपनी मुमकिनत कोशिश है उसको पूरी कर लें दो चीज़ें हैं दो रिश्ते हैं दो तजारतें हैं या दो कोर्सेस हैं जिसमें आपको फैसला करना है कि दोनों में से सही कौन सा तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है मशवरा करें फायदे नुकसान का मुजना करें दोनों का बेनिफिट्स और फिर उसके जो है है अभी भी आप उसके बाद फिर आप क्या करें इस्तारा करें इस्तारा के बाद दुआ करें फिर इंतजार करें अल्लाह तो का जहन किसी ना किसी तरफ जो है खोल देगा और इस्तारा के तालुक से ये भी आता है कि आप जो है तीन बार तक इस्तेखारा कर सकते हैं मतलब एक बार इस्तखारा किया समझ में नहीं आया दूसरी बार किया समझ में नहीं आया तीसरी बार कर तो तीन बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि जब भी कोई दुआ करते हैं तो तीन बार करते ज्यादा से ज्यादा तो आप तीन बार तक कर सकते आ, दुआ की नमाज दो रखा बाद में कर सकते हैं क्या नमाज के आखिरी सजदे में भी की दुआ कर सकते हैं सजदे आखिरी सजदे में अपन जो करते भाई ने पूछा है कि इस्ते की जो दुआ है वो कब करनी है तो आप दो रकात नमाज पढ़ेंगे नफिल जैसी दूसरी नमाजें पढ़ते हैं आप सलाम फेर देंगे यानी नमाज का खात्मा करेंगे उसके बाद आप दुआ करेंगे उसके बाद आप दुआ करेंगे फिर दुआ करने के बाद अल्लाह अला आपको जो है उसमें रहनुमाई करेगा मतलब आपका दिल किसी एक तरफ मुतव हो जाएगा और एक गलत फहमी होती है मैं आपके सामने वो भी रख दूँ कुछ लोग ये समझते हैं कि इस्तारा के लिए ख्वाब का दिखना ही जरूरी है इसमें शक नहीं है कि उलमा ने इस्तारा के तरीक़े में यह भी बताया है कि इंसान जो है सुकून के वक्त इस्तारा करे जो आखिरी वक्त होता है रात का और इस्तारा करने के बाद सो जाए लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा उन्होंने कि आपको ख्वाब दिखेगा जैसे कुछ लोग बोलते हैं अगर आपका जो है जो फैसला आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको हरी झंडी नजर आएंगी लाल झंडी नजर आएंगी ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है तो इसखारा के लिए ख्वाब दिखना जरूरी नहीं है उलमा कहते हो सकता है ख्वाब में भी इशारा हो जाए लेकिन जरूरी नहीं है बस अल्लाह ताला आपके दिल को खोल देता है आपके जहन को खोल देता है आप इस्तखारा करने के बाद दो काम में से आप एक को ही पसंद करने लगते हैं और आपका दिल उस तरफ मुतवज्जा हो जाता है तो इसके लिए कोई खास निशानी नहीं है एक और चीज़ मैं बता दू सवाल से पहले जो उन्होंने ये बात भी लिखी है कि इस्तारा तब किया जाएगा जब दोनों काम शरी एबार से दुरुस्त हो मतलब एक शरी एबार से दुरुस्त नहीं है और दूसरा दुरुस्त है तो जो शरियबार से दुरुस्त नहीं है उसको तो आप पहली फुर्सत में छोड़ेंगे जो दुरुस्त है आप उसी को अपनाएंगे लेकिन इस्ते जब किया जाता है जब दोनों बेहतर है दोनों दुरुस्त है दोनों में फायदे नुकसान तकरीबन आपको आसपास समझ में आ रहे हैं लेकिन आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो उस सूरत में आपको इस्तेखारा करना है मतलब वनवर, वरना नाजायज चीज़ों के लिए हराम चीज़ों के लिए मासीत के कामों के लिए आपको इस्तेखारा नहीं करना है जैसे कि आपने बताया कि दो दो काम है जिसमें से हमें दोनों के लिए इस्तारा की नमाज अदा करनी हो अगर एक ही काम हो हमारा और हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए किसी तरह जैसे कि इस्तेखारा की नमाज पढ़नी चाहिए कोई दुआ करनी चाहिए जैसे दो चीजों के दरमियान फैसला करना है तो हम इस्तारा करते हैं लेकिन एक ही काम है उसको करना या नहीं करना इसके लिए क्या किया जाए तो इसके लिए भी आप इस्तारा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ फैसले दो है ना काम तो एक ही है लेकिन फैसले दो है कि करना है या नहीं करना है अब उसका दूसरा जो रहेगा हो सकता है वो बाद में कोई जहन में आए या कोई और ऑप्शन आपके सामने हो लेकिन यहाँ पर भी जो है दो फैसलों में से आपको एक फैसला करना है कि ये काम को किया जाए या ना किया जाए तो इसके लिए भी आप इस्तारा कर सकते हैं दुआ उसके अंदर शामिल ही है इस्तारा के अंदर पहला सवाल ये था कि ख्वाब में हरा रंग और लाल रंग नज़र आता है तो ये मैंने पहले वजात कर दी ये दुरुस्त नहीं है ऐसा कहीं भी इसके तल्लु से जो है हदीस में जो है जिक्र नहीं आता न किसी आलिम में और मुफसरी ने इसके तल्लु से इसका जिक्र किया किसी ने इसके बारे में नहीं बताया है बस अला आपके जहन को किसी एक तरफ मुतव कर देता है कि आपका दिल कहता है कि बस यही करना चाहिए जैसे आम पर भी होता है ना इस्तारा ना भी गरिया कभी होता है दो चीजें हैं और बेहतर है दोनों भी लेकिन आपका दिल बोलता है हम यही करेंगे ऐसा भी होता है कभी आप लिबास खरीदने के लिए जाते हैं दो लिबास सामने रखे हुए हैं दोनों अच्छे हैं तो आप किसी से पूछते हैं ये लू का ये लो बाजू वाला बोलता है कि ये वाला लो तो आप बोलते हैं नहीं अपन ये वाला लेंगे तो पूछता क्यों तो नहीं दिल बोल रहा मेरा ये लेने का हालांकि दोनों अच्छे लग रहे हैं उसको लेकिन उसका दिल किसी एक तरफ मुतवजा हो जाता है तो वैसे ही इस्ते में होता है कि जब आप इस्तेखारा करते हैं तो दो ही कोई दो अमर है दो काम है तो किसी एक की तरफ आपका दिल जो है मुतवजा होता है और ये अल्लाह सुबारा की तरफ से होता है दूसरा सवाल था इस्ते करने के बाद सही या गलत इसकी निशानी क्या है इसकी कोई निशानी नहीं है कि जिसके जरिए पता चले सही और गलत का फैसला तो शरय नुक नजर से आपको करना होगा कि फला काम जो आप करने जा रहे हैं वो शरीय दुरुस्त है या नहीं है अगर शरीय के नजर में वह दुरुस्त नहीं है तो उसका इस्ते ही नहीं होगा उसको तो पहले ही कैंसिल करना है आपको इसखारा तब होगा जब दोनों दुरुस्त हैं दोनों शरीयत के हदूद में है दोनों जो है जो है मासीत के काम से जुड़े हुए नहीं हैं तब आप इस्तारा करेंगे और उसमें अल्लाह सुबाना तला आपका दिल किसी एक तरफ जो है मुतवजा करेगा वरना जो गलत या सही है उसका फैसला कुरान और हदीस करेंगे शरीय करेंगी उसका फैसला जो है इस्तारा से नहीं किया जाएगा तीसरा सवाल है इस्तारा की दुआ में हाजा अमर की जगह अपनी हाजत का नाम लेना है अगर जिस दुआ अगर जैसी दुआ है वैसा ही पढ़ ले तो क्या ये दुरुस्त होगा हाँ जो ब्रैकेट में हाजा अमर जो हम बोलते हैं जो हम मांग रहे हैं जिस चीज़ का हम सवाल कर रहे हैं अल्लाह अला से तो या तो आप उस काम का नाम वहां पर ले या हाजा अमर भी आपने कहा तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि नीयत अल्लाह को पता है कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं तो आप वहां पर उस चीज़ का नाम रखें बेहतर है दुआ का सही तरीका है लेकिन अगर आपको वहां पर नाम नहीं रखना है हाजा अमर भी कहना है तो भी चलेगा क्योंकि आप उसी के लिए दुआ कर रहे हैं जो आप दिल में नीयत रख रखते हैं तो वैसे भी आप दुआ कर सकते हैं ये मेरा सवाल ये है क्या शरीयतन दो काम है जो मतलब गलत है पता है हमें लेकिन उसमें से कंपलसरी हमें एक कोई काम लेना है तो उसे कैसा करना होगा मतलब शरीत के तरीके से गलत है वो रॉन्ग है हराम है समझो दो जरिए किसी ने दो जरिए दिए हैं अपने को ये दोनों में से एक रास्ता चुनना है आपको लेकिन वो दोनों गलत है तो उसमें से क्या करना चाहिए फिर भाई ने सवाल किया कि हमारे सामने जो है दो काम है और दोनों गलत है दोनों शर्य एतवार से दुरुस्त नहीं है तो इससे पहले भी ये सवाल आया था फैज भाई ने इसका जवाब दिया था कि दो काम आपके सामने आ गए और दोनों ही गलत है तो आप कोशिश करेंगे दोनों को ही छोड़ दे लेकिन आपका सवाल ये कि उसमें से एक करना लाजिमी लाजिम हो गया है करना ही है तो उस सूरत पे मजबूरी की हालत में आप ऐसे काम को चुनेंगे जिसमें कम गलत हो और ज्यादा सही हो आपका यही सवाल था ना तो इस तल्लु से सवाल आया था और इसी तरह जो है फैज भाई ने जवाब दिया था कि उसके आप उसमें जो कम से कम गलत वाला है और ज्यादा सही है उसको अपनाएं अगर मजबूरी है कंपलसरी आपको करना ही है वरना आपके लिए जो है धोखा है चाहे जान के लिहाज से हो या एक बड़े नुकसान के ताल्लुक से हो तो आप ऐसे काम को अपनाएंगे जिसमें कम से कम मासीत कम से कम गुनाह ये मजबूरी की हालत में आप लेकिन मजबूरी नहीं है तो आप दोनों को छोड़ दीजिए और तीसरे काम की तलाश कीजिए जो सही हो जिसमें कोई गलती का इम्कान ना हो जी एक और सवाल अक्सर जो आता है मैं उसकी भी वजाहत कर दूं के जैसा ये जो दर्द है मैं इससे पहले एक और जगह दिया था वहां पर ही सवाल आया था क्या एक इंसान दूसरे का इस्ते कर सकता है क्या तो इस्खारा इंसान जिसका मतलब जिसकी हाजत है इस्तारा वही करेगा लेकिन कुछ सूरतों में दूसरे लोग इस्तारा कर सकते हैं जिनका वो हाजत तो नहीं है लेकिन जिनकी हाजत है वो उनसे जुड़े हुए जैसे बेटी का निकाह करना है तो वालदे इस्तारा कर सकते हैं तो क्योंकि बेटी जो है वो उन्हीं की जो है उन्हीं के नस्ब से उनसे ताल्लुक रखती है वो उन्हीं के ख़ानदान से और उनकी जरूरत है जो भी फैसला होगा तो औलाद जो होती है वो वालदान की कमाई है मतलब उनका ताल्लुक वालदान से है तो बच्चों के लिए वालदे इस्तारा कर सकते हैं लेकिन हमारे पास जो थर्ड पर्सन का इस्तारा चलता है वो जायज़ नहीं है दुरुस्त नहीं है जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम नेक नहीं है हमारा इस्तारा कैसे कबूल होगा तो हम किसी मुतकी परहेजगार इंसान से इस्तारा करवाएंगे तो जो है के ताल्लुक से लिखते हैं कि यह दुरुस्त नहीं है बिल्कुल गलत है जिसकी हाजत है वही इस्तारा करे अल्लाह ताला ने शैतान की दुआ कबूल किया हम तो ईमान वाले हैं हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होंगी अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है एक हदीस भी मैंने आपके सामने रखी इंसान जब गुना करके अल्लाह ताला के सामने तोबा करता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है तो अगर आप गुनहगार भी है लेकिन आपका इरादा है गुनाहों को छोड़ने का और आप इस्तारा भी करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है आपसे मुत्तकी परहेजगार होना ये कंडीशन उसकी नहीं है और कौन मुत्तकी कौन परेजगार हम जाहरी चीज़ों से बोल ही नहीं सकते वो तो अल्लाह को ही पता है कि किसके दिल में क्या है अल्लाह ताला जानता है कौन मुत्तकी और परहेजगार है तो हमारे पास तो कोई उसका पैमाना नहीं है उसका अल्लाह के रसोम के ज़माने में मुनाफिक पांचों वक्त की नमाज में मस्जिद में रहते थे तो सिर्फ ज़ाहिर से थोड़ी पहचान सकते थे हमको अल्लाह सुबाना तआला ने जब अपने नबी को उनके नाम बताया कि ये मुनाफ़िन है तो पता चला कि मुनाफिक है वरना कैसे पता चलता ना दुनिया के अंदर कोई मीटर भी नहीं है किसी को लगा दिया कि पता चले इनका तखबा इतना है ये इतने ज्यादा मुतफी है तो किसी की परेज हम जांच नहीं सकते तो सबसे बेहतर यही है सुन्नत पर अमल किया जाए इंसान अपना इस्तेखारा खुद करे या फिर वालदे अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं इस्तारा की जो दो रकात नमाज और दुआ है तो जिस काम के लिए निकल उसी वक्त करे या उसके बाद करे सवाल तो आया है कि अगर कोई काम हाँ कोई काम करने के लिए हम निकले हैं या किसी चीज़ की हमने नीयत की है तो इस्तेखारा की दो रात नमाज और दुआ उस काम से फ़ौर पहले करें या उससे बहुत पहले भी आप कर सकते हैं तो देखिए जब भी आपके जहन में कन्फ्यूजन आया जब भी दो चीज़ों के दरमियान आपको फैसला करना है या जैसे भाई ने बताया चीज़ एक ही है लेकिन करना या नहीं करना मतलब किसी भी किस्म का जो है कन्फ्यूजन आ गया आप मुतजफब हो गए क्या करना चाहिए तो उस वक्त जो है आप जो है इसतखारा की नीयत दिल में कर लें और जैसे ही आपको वक्त मिलता है फुर्सत मिलती है पहले आप दो नमाज पढ़ के इस्तारा की दुआ करें बेहतर ये लेकिन किसी वजह से आप भूल जाए वक्त ना मिले इस्तारा करने के लिए जो है टाइम ही ना मिले तो अब जो काम था वो करीब आ गया तो आप उससे पहले भी इस्तारा कर सकते हैं अल्लाह तला हो सकता है आपके जहन में बात को डाल दें दो रकत नमाज इस्तेखारा की पढ़ने के बाद अगर हाथ उठाकर दुआ मांगने के बजाय अगर सजदे में दुआ की जाए तो क्या कर सकते हैं उसको अच्छा भाई ने सवाल किया है कि जो दो रकत नमाज हम इस्तेखारा की अदा करते हैं उसके बाद हम इस्तेखारा की दुआ करते हैं तो उस इस्तेखारा की दुआ को सजदे में जाकर किया जाए तो कैसा है तो देखिए नमाज खुद एक इबादत है और उसमें सजदे शामिल होते हैं नमाज फर्ज हो सुन्नत हो या नफील हो नमाज मुकम्मल होने के बाद अलहदा अलग से एक सजदा करना यह सुन्नत से साबित नहीं है ये बिदत है क्योंकि ये अगर अच्छा अमल होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस सबसे ज्यादा सजदे करने वाले सहाबा जिस सबसे ज्यादा सजदे करने वाले लोग थे ऐसे सजदे करते थे कि कुरान ने उनका जिक्र किया कि इन लोगों की जो ईमान की निशानियां इनके चेहरों से नजर आती है चेहरों के निशानों से यानी पेशानियों की निशान निशान से नजर आती है दावा की पेशानियों पे निशान हुआ करते थे बहुत ज्यादा सजदे कसरत से करने की वजह से लेकिन वो सारे सजदे नमाज की हालत में हुआ करते थे तो ने लिखा है कि फ़रज़ सुन्नत और नाफिल कोई भी नमाज हो सलाम करने के बाद अलादा सजदा कर दुआ के लिए सजदा करना ये दुरुस्त नहीं है सुन्नत से साबित नहीं है इसलिए हम वैसे ही दुआ करेंगे जैसे तरीक़ा हमको बताया गया है सर तो अगर दो रकात नमाज पढ़ना है इस्ते की और किसी को दुआ याद ना हो और दो रकात नमाज पढ़ने के बाद बुक के अंदर देख कर दुआ पढ़ सकते हैं कि और जो अमर है वो बयान कर सकते हैं कि हाँ मैंने अभी इसके तल्लक से जिक्र किया कि अगर दुआ आपको याद नहीं है तो आप जो है दुआ को देख भी पढ़ सकते हैं बेहतर है कि उसको याद कर लें अगर ना हो तो आप उसको देख भी पढ़ सकते हैं तो अकी के तल्ल से था लड़की के लिए दो रहे और लड़की के लिए एक जानवर है तो हजरत अली के लिए मैंने सुना हजरत अली के लिए एक ही जानवर को जुबा किया गया था तो बताइए आप क्या करना चाहिए हाँ भाई ने सवाल किया कि हकीकी के, के तलुक़ से जो आता है लड़के के लिए दो दम यानी दो जानवर और लड़की के लिए जो है एक जानवर तो ये सही है बिल्कुल और उन्होंने कहा कि एक रिवायत में उन्होंने पढ़ा कि एक जानवर का भी जिक्र आता है तो जो ने उन्होंने उसके ताल्लुक से लिखा है कि जो आदमी मजबूर हो तो वो लड़के की तरफ से भी एक जानवर वुबाँ कर सकता है लेकिन बेहतर है कि लड़के की तरफ से दो जानवर ज़ुबॉ किए जाए अकीीक़े के अंदर हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं अल्लाह तला अमल की तोफ़ी तरमाएँ बखिर